السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى

मोहम्मद अरबी है बनो हाशिम से जिनका ताल्लुक़ है और जिन्हें अल्लाह सुबहाना तआला ने क़यामत तक के लिए रहमत बनाकर मबूस किया मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह हमें इस मुबारक मजलिस में जमा किया है इसी तरह हमें जन्नतुल फिरदौस में जमा करें और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला रमज़ान की हमारी मेहनतों को कबूल फ़रमाएँ हमारे जिक्र अज़गार को कबूल फ़रमाएँ हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाएँ और हमारे इस्दार को कबूल फरमाएँ मुबारक रातों में मेहनत करने की तोफ़ी बख्शे और उनके बाद में हमारे गर्दनों को जहनम से रिहा करें आमीन या रब्बल आलमीन अज़ीज़ साथियों बुज़ुर्गों माओ बहनों और ख़्वात इस्लाम ये दीन जो कोई कामिल और मुक़म्मल दीन है दीन इस्लाम तमाम दीनों से मुख्तलफ़ इस बुनियाद पर है कि इसके अंदर जहाँ आखिरत और कब्र की बात की ज़िंदगी और जन्नत और जहन्नम ऐसी बातें जहाँ पर है उसके साथ साथ दुनिया में कैसे रहना है दुनिया में क्या कायदे क्या कवानी हैं इस ताल्लुक़ से भी ये दीन तफसील बयान करता है जबकि हम दूसरे अद्वियान पर नज़र डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके यहाँ या तो फिर उनके यहाँ या तो फिर ऐसी बातें हैं जिनका ताल्लुक़ उखरवी ज़िंदगी से है मतलब मरने के बाद की ज़िंदगी से है आखिरत से है जन्नत से है जहन्नम से है लेकिन उनके पास कोई ऐसे क़ायदे कवानीन नहीं जिन में दुनिया की ज़िंदगी गुजारने के लिए रहनुमा और हिदायत के सामान मुहैया हों इसी इस्लाम को दीन कहते हैं ना कि मजहब मजहब जिसका ताल्लुक सिर्फ दुनिया में रहने के चंद अहकामद कवानीन से ताल्लुक होता है दीन जिसका ताल्लुक उखरवी ज़िंदगी से उसका होता है इस्लाम जहाँ दीन है वहाँ वो मजहब भी है तो इस्लाम ने रूहानी तस्किन के लिए इबादतों को मशरू ठहराया कि नमाज़ें पढ़ी जाए ज़क़ात दी जाए हज किया जाए और उसी तरीके से जिस्मों को कंट्रोल करने के लिए लोगों को जब्त और कवानी के अंदर लाने के लिए इस्लाम ने ढेर सारे कवानी बयान किए अगर कोई अक्लमंद आदमी जो सोच बोच रखता हो वो इन दो नुक़ों पर गौर करे तो उसे हक पहचानने में कोई ताखिर नहीं होगी तो इस्लाम ने इस ज़मीन में रहने घरेलू मसाइल से लेकर एक बस्ती के मसाइल से लेकर और एक हुकूमत चलाने के मसाइल से लेकर और वहाँ पर मुसलमानों के हिफाजत से लेकर पूरे काद कवानीन बयान करता है तो इस्लाम में जहाँ लोगों के अंदर इस्लाम फैलाना है वहाँ पर लोगों को जोड़ कर ये कानून के तहत लाना भी इस्लाम ज़रूरी समझता है इसीलिए अल्लाह ने कुरान मेरशात फरमायादी खलूफ शैतान जो ईमान लाए हो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ क्या कहते हैं कुली तौर पर हर एतार से हर एतबार से यह कि नहीं कि मैं इस्लाम में सिर्फ इस्लाम की इबादतों को देखकर मुझे खुशी हुई मैं इस्लाम में इबादतों के ताल्लुक से दाखिल होता हूं दूसरी चीजों को मैं एतबार में नहीं लेता यह नहीं चलेगा अगर ये कहता है कि इस्लाम के अकायद में इस्लाम जो अकायद पेश करता है इस अकायद में क्लैरिटी है मैं इस अकायद को इख्तियार करता हूं और इस्लाम कहता है जो इबादतें की बातें उसे मैं इख्तियार नहीं करता ये नहीं कह सकता आदमी तो इस्लाम में आना है तो मुकम्मल दाखिल होना है इस्लाम के अकायद को भी इख्तियार करना है इस्लाम जो इबादतें बताता है उन पर भी अमल करना है और इस्लाम जिन चीजों पर यकीन की बातें करने को कहता है या फिर मानने को कहता है उसे मानना और उसे करना यही कुली तौर पर इस्लाम में दाखिल होने के बराबर है आज हमारे माशरे में देखते हैं बहुत ऐसे अफराद हैं उन्हें ये परेशानी है कि इस्लाम तो बहुत ही अच्छा मजहब है बहुत ही अच्छा दीन है हक पसंद है हक है इसके अंदर लेकिन बास चीजें मुझे पसंद नहीं आती बस चीजें मैं करना नहीं चाहता बास चीजें अकल के मावरा हैं अकल उसे कबूल नहीं करती तो याद रख ले ये आदमी मुसलमान हुआ ही नहीं जुजी इस्लाम में दाखिल होना ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं सेमी 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 एक्सेप्टेंस, एम्ब्रेसिंग ये एक इस्लाम मानता नहीं इस्लाम के पास या तो फिर आप कुल्ली तौर पर आ जाओ आपने अगर सेमी माना नीमा माना थोड़ा माना तो हम उसे मुसलमान और इस्लाम मानते ही नहीं या इस्लाम में हर एतवार से दाखिल हो जाओ इस्लाम के अकायद की खूबियां जानते हो तो मुकम्मल तौर पर उसे एक्सेप्ट करो इस्लाम की बताई हुई इबादतें बहुत अच्छी हैं उसमें पंजगान नमाज की पाबंदी है उसमें रोजों की पाबंदी है उसमें हज जैसा एक ग्लोबल मीटिंग स्पॉट को वाजिब करार दिया गया है ये चीजें पसंद आती हैं तो याद रख लें इसे आप इख्तियार करना चाहते हैं तो सदात को भी इख्तियार करें और साथ साथ वो कायदे कवानीन को भी इख्तियार करें इस्लाम जो आपको देता है बस्ती में रहने के एतबार से लोगों को जोड़कर उन पर हुकूमत करने के एतबार से और उनकी बस्तियों को बनाने के एतबार से तो इस्लाम जहां लोगों को बनाता है वहां इस्लाम बस्तियों को भी बनाता है और बस्तियों को बनाकर वहां पर सियासत और गोवमेंट की भी तालीमा देता है ताकि एक इंसान भरपूर अंदाज से इस्लाम में दाखिल हो जाए तो ये जो आयत है इसके अंदर बहुत ही गहरे माने ये पूरी हमारी तारीख इस पर गवाह है कि इस्लाम ने हमेशा मुकम्मल दाखिल होने वालों को माना है सेमी एंट्रेंस करने वालों को इस्लाम ने कभी एंटरटेन नहीं किया है तो जी साथियों इस्लाम जब ये कहता है कि आप इस्लाम में दाखिल हो जाओ और इस्लाम के अहकाम को नाफिज किया जाए इस्लाम जो डूस एंड डोंट्स बोलता है इस्लाम जो शरीयत कहता है इसे नाफिज किया जाए और वहां पर एक स्टेट बनाया जाए और उस स्टेट की हिफाजत की जाए उसके लिए मर मिटा जाए इसी को इस्लाम ने कहा जिहाद है आप जिस इलाके में रहते हैं जिस स्टेट में आप रहते हैं जो आपके लिए तमाम इस्लामी को आसान कर कर देता है उसे आप मानते हैं तो उसके लिए आप कटमरी है तो इसलिए हम देखते हैं कि इस्लाम की तारीख में ऐसे ऐसे, ऐसे अफराद पैदा हुए जिन्होंने आगे बढ़ के बेहतरीन हुकूमतें कायम की बेहतरीन इंतजाम कायम की तो हम कल की मजलिस में इसी इंतजाम इसी स्टेट इसी हुकूमत की बातें कर रहे थे तो हमने सलाहुद्दीन अयूबी रहमत आल ने जिस अंदाज से अपनी हुकूमत कायम की और जिस अंदाज से छोटी छोटी रियासतों को जोड़ा और उनका जो मकसद था कि ये जो दुश्मन ने इस्लाम कल्ब इस्लाम में इस्लाम के दिल में अपनी जो रियासतें इन्होंने बनानी इन्हें मार भगाना इन्होंने अपना टारगेट बनाया था इसके लिए इन्होंने बेहतरीन कोशिशें की उनकी कोशिशों में तीन चीज काबिल जिक्र है तीन काम इन्होंने बहुत ही अहम किए जिसकी वजह से अल्लाह ने इन्हें बेहतरीन कामयाबी अदा की पहला काम इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया लोगों के अकीदे को दुरुस्त किया लोगों के अंदर ईमान लाया लोगों को दीन सिखाया वरना ये लोग मुख्तलिफ लड़ाइयों की वजह से आपसी अख्तलाफात की वजह से इन्होंने अपना ईमान खो दिया था और वहां पर शिया और गलत अकायद की तरवीज आम हो गई थी तो इन्होंने सबसे पहला जो काम किया इन्होंने अकायद दुरुस्तगी पर काम किया तो इन्होंने शाम और दोनों के अंदर इसके लिए बहुत बेहतरीन इंतजाम किए बेहतरीन मदारस कायम किए उलमा को तैयार किया अहल इल्म को तैयार किया और बेहतरीन किताबें तैयार की और कुरान के हिफ्स के साथ साथ अकीदे की किताबों को याद करना इन्होंने लाजिम करार दिया ताकि लोग कुरान के साथ साथ अकीदे की बातों को याद रखें वरना ये जो शिया ईमान पर जो है हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं उनके पास फंस जाएंगे इसलिए उस वक्त इन्होंने बेहतरीन काम किया उसके बाद दूसरा काम इन्होंने पूरी उम्मत को जोड़ा पूरी रियासतों को जोड़ा और नूरुद्दीन जंकी की वफात के बाद जब ये शाम के इलाके में थे जैसा हम जानते हैं ये सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के इलाके में थे नूरुद्दीन जंकी की वफात के बाद वहां पर सलाहुद्दीनयू भी आगे बढ़ते हैं ये तमाम रियासतों को जोड़ देते हैं तमाम रियासतों को जोड़ देते हैं। ये नहीं कहा कि मिस्र अब मेरा हो गया अब शाम में जो नूरुद्दीन जनकी के औलाद है उनके जो रिश्तेदार हैं वो उसकी रियासत करें वो उसकी हुकूमत करें ये नहीं कहा इन्होंने कहा कि नूरुद्दीन जनकी रमतल का मकसद ही जोड़कर रियासत कायम करना है जोड़कर उम्मत को जोड़ना है ये छोटी छोटी टोलियों में ये छोटी छोटी रियासतों में बटना नहीं है हमारी ताकत उस वक्त है जब हम जुड़ते हैं बरकुम आपस में अख्तिलाफ मत करो अगर इख्तिला इخ, करोगे तो तुम्हारी हवा निकल जाएगी और उसके बाद तुम हार बैठोगे तुम हार जाओगे तो इतिहाद इस्लाम का अहम नुकता है इस्लाम मुसलमानों से चाहता है कि वो मिलकर रहें मुसलमानों से चाहता है कि उनके दिल एकजुट कर रहे इसीलिए आप देखिए कि इस्लाम की पूरी तालीम ये इतिहाद पर उभारती है मामूली तौर पर आप इस नमाज को ले लीजिए नमाज में आप पढ़ते हैं नमाज में आपको हुक्म है कि आप सफों में पढ़े नमाज और सफबंदी हो और आपस में खानदे और टखनों को मिलाकर खड़े हो और पूरे मिलके एक ईमाम की तबाह करें यह पूरा सिनारियो किस चीज की तालीम देता है ये बताता है कि भाई आप जैसे मिल मिलकर खड़े हो आपके दिल भी मिलने चाहिए और पांच वक़्त आपको मस्जिद में आना ही आना है और मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ाना वाजिब है और मस्जिद में जमात का होना जरूरी है मिलके खड़े होना जरूरी है तो ए, एक नुक्ते पर आप गौर करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि इस्लाम इतिहाद पर कितना उभारता है हमारी ईदें पूरी इतिहाद पर उभारती हैं आप फितर मनाते हैं आप ईद मनाते हैं ईदगाह में जाते हैं नमाज पढ़ते हैं सबको कहा गया कि खुश रहें सबको कहा गया कि जक़ातुल्फित्र अदा करें गरीबों की मदद करें इतिहाद यूनिफॉर्मिटी इस्लाम कायम करता है और हज के लिए आदमी जाता है तो कह दिया गया कि अगर आप हज करना चाहते हैं तो आपके लिए एहराम एक यूनिफॉर्म है इसे पहन लीजिए अब जाइए हज करने के लिए जाइए अराफा जाए मुज़दलिफा, जाइए मक्का तवाफ कीजिए सही कीजिए इसी कपड़े में एक यूनिफॉर्मिटी कायम करता है जब आदमी कपड़ा पहन के जाता है ये अपने लाचारी और अपनी कमजोरी का इजहार करता है चाहे मैं अपने इलाके का बादशाह ही क्यों ना हूं चाहे अपने इलाके का मैं कोई और क्यों ना हो लेकिन जब बारह इलाही में पहुंचता हूं तो मैं जलील हूं मैं कमजोर हूं मैं अल्लाह के रहमत का मोहताज हूं इसका मुजाहरा है, है, इसे जो है, इसे जो एक्सपोज करके दिखाया जा रहा है तो इस्लाम की तालीमांतें ये बहुत ही अहम अहम चीजों पर उभारती है और खास तौर पर इतिहाद उम्मत हर लम्हे में इस्लाम के अंदर रख दिया गया है आपस में झगड़ना आपस में इख्तलाफ करना और इख्तलाफ की बुनियाद पर बट जाना ये इस्लाम कभी पसंद नहीं करता हाँ इख्तलाफत होते हैं इंसान को अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है हर आदमी की अपनी सोच होती है हर आदमी एक ही दिमाग नहीं रखता हर आदमी अपने अंदाज से सोचता है और अपने सोचने के हिसाब से उसे रिजल्ट निकल आते हैं लेकिन मुसलमानों के लिए मुमकिन है कि वो इन इख्लाफा के बावजूद भी मिलकर रहें और इस्लाम ने कह दिया कि एक है इख्तलाफ जो कि करना या फिर करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है इंसानी फितरत का तकाजा है, है इफ्तराक इस्लाम ने कहा कि इफ्तराक ये मजमूम है हाँ, अलबत्त अख्तराफ हो सकते हैं साहबा ने इख्तराफ किया हर एक आदमी की अपनी राय हो सकती है अपने इम के बुनियाद पर अपने दलील के बुनियाद पर तो इख्तराफ का होना यह कोई ऐप की बात नहीं लेकिन यह इख्तराफ आपस में झगड़े आपस में फिरकों को पैदा करे यह इस्लाम पसंद नहीं करता इस्लाम इसी चीज़ों से रोकता है तो सलाहुद्दीन अयूबी जो इस हकमत से पहले से वाकिफ थे इन्होंने उम्मत को जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की और अपने लश्कर में अपने खास खास ओहदेदारों को अपने पास जो बड़े बड़े मुनासिब थे उसमें उन्होंने मुख्तफ लोगों को रखा कोई इनके पास अरबी है तो कोई तुर्की है तो कोई कुर्दी है तो कोई कोईमानी है कोई दूसरे इलाके का है सबको मिलाकर इन्होंने अपने पास रखा यहां तक कि यहां इन पर इनके खास मुशीरीन और खास लोगों में नसारा भी दाखिल थे ईसाइयों को भी इन्होंने अपने पास रखा ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो सबको कौम अकोमोडेट कर सकता है ये दूसरा नुकता था जिस पर उन्होंने काम किया तीसरा नुकता जिसके लिए उन्होंने बेहतरीन प्रिपरेशन की वो था तह, जिहाद की सोच की सोच तैयारी इससे पहले होता था कि आपसी लड़ाई की वजह से ये जिहाद का जज्बा खत्म हो गया था तो सलाहुद्दीन अयूबी ने इस रूह को फूका कहा कि देखो हमारा दुश्मन जुड़ा हुआ है हम आपस में इख्तराफ किए हुए हैं वो हमारी बस्ती को लूटना चाहता है और पहले से हमारी रियासतों को जब्त किया हुआ है रूहा मक्दिस, सूर अहम रियासतों को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है इन्हें मार भगाना है तो हमें जुड़ना चाहिए और सलाहुद्दीनयूबी जब थे उस वक्त लगभग चालीस पचास साल से ईसाइयों के हाथ में रियासतें थी और कल के मजलिस में आपने बाज नमूने देखे जिसमें सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, ने कहा कि मैं हंस कह सकता हूं मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूं कैसे हंस सकता हूं जबकि हमारी मस्जिद बैतुल मस्जिद बैतुल बैतुलमक में अल अल मस्जिद अक्सा में उन्होंने घोड़ों को बांध रखा है उन्होंने पूरी मस्जिद को गंदी की हुई है उन्होंने अल्लाह की किताब को जलाया हुआ है और पूरा कोड़ा क्रिकेट डालते हैं गंदा किया हुआ है ताकि मुसलमानों की मस्जिद की जिल्लत करें और इस्लाम को जलील करें यह इनका मकसद है और मैं हंसता खेलता रहूं खुदा की कसम जब तक इस अल्लाह के घर को मैं रिहा नहीं कर लेता जब तक यहां के सलीबियन को मैं मार नहीं भगाता मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा मैं चैन नहीं लूंगा ये इन्होंने पहले से ठाना हुआ था तो ये जो जिहाद की रूह इन्होंने पब्लिक में फूंकी थी आवाम के अंदर फूंकी थी तो इनके ऊपर दीवाना वार मरते थे इन पर लोगों का एतमाद पैदा हो गया सारे आलमी इस्लामी से हिजाज से इराक से ढेर सारे लोग इनके लश्कर में दाखिल हो गए जिसकी वजह से इनके, लख, इनके लश्कर की तकवीत कहीं दूर पहुंच गई ये तीन काम इन्होंने बहुत ही अहम किए थे जिसकी वजह से ढेर सारे कामयाबियां अल्लाह ने इन्हें दी तो कल के मजलिस में हमने सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर उनके बाज अखलाक पर गौर किया बाज अखलाक की तफसील हमने देखी हमने ये देखा कि वो कैसे सब्र करते थे उनके कैसे अखलाक थे वो माफ करना पसंद करते थे दीन को लेकर इनकी क्या सलाबत थी ये पूरी बातें हमने कल की मजलिस में देखी आज दो नुक्तों पर हम इशल्ला गुफ्तगू करेंगे पहला नुक्ता इनका अकीदा क्या है ये किस अकीदे के थे ये क्या मनहज को मानते थे इनकी पूरी जिंदगी पढ़ने के बाद इनकी सोच देखने के बाद ये चीज़ अच्छी तरीके से हमारे सामने आ जाती है कि ये बिल्कुल सहाबा और तब ताबईन तब ताबई के नहज पर थे और उसी की दावत करते थे और इनका शिया से मुखालफत करना फिरकों को नापसंद करना लोगों को अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की किताब की तरफ लौटाना बार बार किताब सुन्नत की इतबा पर उभारना यह सब मालूम होता है कि ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सही नहज पर थे, बिल्कुल सही अकीदा अपने पास रखते थे हाँ मसाइल में बाज फ्रोई मसाल में इन्होंने एक मुख्तलिफ स्टैंड इख्तियार किया हुआ था कि शाफी मजहब से इनका ताल्लुक था लेकिन उमूमन ये अकाद में बहुत पुख्ते थे और उसके बाद इबादात में ये बहुत आगे थे इनके ताल्लुक से आता है ये जब जब से 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 इन्होंने इन्होंने जिम्मेदारी संभाली तब से इन्होंने कोई नमाज नागा जहां कहीं भी हो लड़ाई के मैदान में हो सहरा में हो पहाड़ों में हो समंदरों में हो जहां कहीं भी हो दुश्मन के सामने हो या फिर जहां कहीं भी हो इन्होंने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी और अपने लश्करों में जाते अपने सिपाहियों को देखते अगर सिपाही बैठ कर कोई अच्छी बात सुन रहे हैं अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहे हैं तो उनकी बड़ी तारीफ करते अगर सिपाही खेल रहे हैं कोई दूसरे चीज में मसरूफ हैं तो उन्हें ताकीद करते कि वक्त मत बर्बाद करो हो सकता है कि कल जिहाद के लड़ाई में तुम शहीद कर दिए जाओ और अल्लाह के पास पहुंच जाओ तो जो वक्त आपको मिला है इसे गनीमत समझो क्योंकि हम जिहाद में हैं अल्लाह के राह में रोजाना लड़ रहे हैं जरूरी नहीं कि हमारे लिए जिंदगी लंबी हो कभी भी हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है और हमने तो दुश्मनों से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी की हुई है और पूरा दुश्मन हमारे सामने जुड़ा हुआ है तो हमारी जिंदगियां हमारी हथेली में होती हैं तो तुम ऐसे हरकतें करके वक्त जया मत करो जो भी अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया उसमें अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो जिक्र अजकार से अपने अवकात को भरो कुरान की तिलावत करो ये इनकी तालीमत होती थी आम लश्कर के लिए आम सिपाहियों के लिए और उन्हीं लोगों के अपने पास रखा जैसे बहाउद्दीन शद्दाद हो गए तकीउद्दीन हो गए अली बिन सुफियान हो गए ये वो अफरा थे जिन्हें इन्होंने मुत्तकी और परहेजगार बनाया था ये भी इनके तरीके से जमाते नहीं छोड़ते थे तहज्जुद के पाबंद थे तो अकीदे के अतबार से बेहतरीन फर्द साबित हुए हैं तो इस नाही से हमें अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि अल्लाह के तरफ से ये एक बहुत बड़ी मदद थे उम्मत के लिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि इन्होंने इनकी लड़ाइयाँ कैसी थी इनकी जिहाद कैसी थी पहले तो इनके जिहाद इनके लड़ाइयां के ताल्लुक से हमें अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि ये लड़ाई के मैदान में उतरने से पहले लड़ाइयाँ जीत लेते थे ये बहुत बड़ा सवाल था जिस पर यूरोपियन से लंबी लंबी गुफ्तु की है ये आखिर इनसे कैसी मुमकिन है तो जब इनकी हम तारीख पढ़ते हैं तो इनकी जो शख्सियत थी और इनका जो जहन था ये इसके लिए बहुत ही सपोर्टिव था ये जिस अंदाज से सोचते थे और जिस अंदाज से अल्लाह ने इन्हें तजुर्बा दिया था जिसकी वजह से इन्हें इन्होंने ऐसे कारनामे अंजाम कर कर दिखाए कि ये लड़ाई के मैदान में उतरने से पहले जीत लेते थे और इनके पास इतना मजबूत इंटेलिजेंस था उसकी चंद मिसालें मैंने आपके कल के सामने कल की मजलिस में आपके सामने रखी तो इनकी जिंदगी के तीन बड़ा बड़े लड़ाइयां हैं बहुत सारी छोटे छोटे लड़ाई हैं मैं तफसील में जाना नहीं चाहता वक्त भी हमारा साथ नहीं दे रहा है मैं आपके सामने इनकी जिंदगी की तीन बड़ी लड़ाइयां और उसकी तफसील रखकर मैं समझूंगा कि मैंने इस मौजू का हक अदा कर दिया पहली लड़ाई जिसका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं वो लड़ाई है हितीन की लड़ाई मार्कटे हितीन बहुत ही अहम लड़ाई है ये लड़ाई पेश आई पांच सौ त्रियासी हिजरी में फाइव एटी थ्री हिजरी में अब इस लड़ाई को समझना है तो इसे थोड़ा आगे आपको बढ़े आप देखेंगे कैसे हालात थे और ये लड़ाई कैसे पेश आई मैंने आपको बताया ईसाई उनकी रियासतें जिनकी तदाद चार थी उन्होंने बिल्कुल इस्लामी दुनिया के दरमियान बना ली थी उसमें से रोहा एक इलाका था और नंबर दो तराबुलस और नंबर तीन मकदिस और नंबर चार सूर पहले अगर आप नॉर्थ टू साउथ आएंगे तो पहला रोहा का इलाका जो कि बिल्कुल साहिल में पड़ता है और नूरुद्दीन जंकी के वालिद इमादुद्दीन जंकी ने इसे मुसलमानों के हाथ में ले लिया था ईसाइयों के पास था मार भगाकर उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया अब तीन रियासतें बाकी थी एक था तराबुलस आप उससे आगे बढ़ेंगे साउथ की तरफ तो वहां पर बैतुल बैतुलमकद आता है और थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर सूर नामी एक इलाका आता है ये सूर ये बिल्कुल साहिल इलाका है अब बैतुल बैतुलमकद साहिल से हिटकर है और तलाबुलस ये भी साहिल से हिटकर है अगर आपको बैतुल जाना है तो तराबुलुस होकर ही जाना है तो यहां के ये जो तीन जो रियासतें थी इनके तीन अहम अहम ईसाई गवर्नर थे उनके नाम भी सुन लीजिए ताकि आपको किस्सा अच्छी तरीके से समझ में आए ये जो तराबुलुस का जो गवर्नर था उसका नाम था रेमॉन्ड थ्री और उसके बाद बैतुल मक्दिस का जो आ, अमीर था जो गवर्नर था ईसाइयों की तरफ से उसका नाम था लूजियाना असल में लूजियाना और रेमॉन्ड के दरमियान इख्तलाफा चल रहे थे आखिरकार लूजियाना की बीवी ने वो लुजियाना को बैतुलमकद का बादशाह बना देती है बैतुलमकद का जो बादशाह है वो असल में तमाम रियासतों को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है जो भी ईसाई रियासतें हैं ये इसके कब्जे में है और ये यूरोप के पॉप्स के मातहत है यूरोप के जो बड़े बड़े किंग्स हैं उनके मातहत है इन लोगों को सीधे सीधे डायरेक्शन था कि तुम कोई भी चीज नहीं करोगे जब तक हमारी इजाजत नहीं आती तो बाकायदा यूरोप से इनका बैकअप होता था इन्हें जो भी करना था वहां से इन्हें गाइडलाइंस मिलते थे वहां से इन्हें डायरेक्शंस मिलते थे और वहां के डायरेक्शंस को लेकर यहां पर एग्जीक्यूट करने वाला कौन था यही लूजियाना था नाम याद रखिए और उसके बाद सूर है वहां का एक गवर्नर था जिसका नाम बिलियान ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये नाम अगर जानेंगे तो बाज लड़ाई के अहम इवेंट्स को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो ये इनके गवर्नर थे इस अंदाज से ये सेटअप होता था ये जो रेमॉन्ड ट्री था

जैसे ही सलाहुद्दीन ऐबी ने मिस्र को अपने पूरे कब्जे में ले लिया नूरुद्दीन जंकी की वफात के बाद शाम को अपने कब्जे में ले लिया दोनों रियासतों को जोड़कर ये जो सुपर पावर की तरह बन गए थे तो रैमान जाकर लुजियाना से कहता है कि अब नेक्स्ट स्टेप जो सलाहुद्दीन एयूबी का होगा वो हमारे इलाकों का होगा अब इसने अपने लोगों को जोड़ लिया है इन्होंने दो नुकतों पर काम किया जितनी भी रियासतें हैं सबको जोड़ लें आपसी अख्तलाफात को खत्म करें सब एक लीडरशिप के मातहत आ जाए एक निगरानी के नीचे आ जाए अब इन्होंने नूरुद्दीन जंकी और सलाहुद्दीन अयूबी ने दोनों काम को कर लिया दोनों ने मिलकर इस काम को कर लिया अब दूसरा काम इनका बाकी है वो ये है कि हम इमार भगाए ये इस पर काम शुरू कर चुके हैं तो रहमान जाकर लुजियाना जो बैतुल बैतुलमकदीस का जो किंग था उसे जाकर कहता है कि बेहतर यह है कि हम दोनों मिलके सलाहुद्दीन अयूबी से ट्रीटी लिख लें एक ट्रीटी साइन कर लें ट्रिटी क्या है कि छह साल तक आपसी लड़ाइया नहीं होंगी तुम तुम्हारी जगह रहो हम हमारी जगह रहते हैं तो जैसे ही ट्रीटी की खबर सलाहुद्दीन सलाहुद्दीनयबी को पहुंची उन्होंने आमन्ना सदकना कहा सलाहुद्दीन ने कहा कि मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूं चलो ट्रीटी लिखते हैं ट्रीटी लिखी गई कि आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी आपस में एक दूसरे के दुश्मनों की मदद नहीं करेंगे आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी आपस में एक दूसरे के जो दुश्मन है उनकी कोई मदद नहीं करेगा ऐसे ही छह साल तक हम करेंगे और हमारे ताजिर आपके इलाके में आएंगे और आपके ताजिर हमारे इलाके में आएंगे इस अंदाज से हम भरपूर साइन हुई थी कब आठ सौ चौरासी में आठ सौ सिक्सटी फोर आठ सौ चौसठ में ये जो है ट्रीटी साइन हुई थी लेकिन हुआ ये कि मैंने बार बार आपको बताया था इससे पहले भी एक पूरी मुस्तकिल तकरीर हुई थी जिसमें मैंने बताया था कि दुश्मन इस्लाम जहाँ उनकी मुख्तलिफ साजिशें थी उसमें एक साजिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को खोद कर आपके जसदे मुबारक को ले जाए इस पर हमने तफी गुफ्तगू की तो उसमें मैंने आपको बताया एक शख्स का नाम जिसका नाम अरनोल्ड था ये बंदा करता क्या है ये बंदा अचानक यूरोप के इलाकों से अपने साथ चंद लुटेरों को लेता है जिनकी तदाद चार सौ पांच सौ के आसपास थी उन्हें लेता है और पोर्चुगीज पोर्चुगल किंग के बैकअप की बुनियाद पर यह पूरा मेडिटेरियन सी कट करता है और वहां से वो सीधे बहरुल अहमर सी में आ जाता है और ये अपने साथ कई ऊंट लाया था ऊंट पर इसने कश्तियों को बांध कर ये बहरे अहमर जो सी है वहां पर कश्तियों को बना लेता है किसी को कानों कान खबर नहीं होती और इसने लगभग तीस से चालीस बड़ी बड़ी कश्तियां बना ली और अचानक इस्लामी शहरों पर खास तौर पर मक्का मदीना और जिद्दा इन इलाकों पर अचानक हमला कर देता है यहाँ के जो मुसलमानों के पास उस जमाने में नेवी फोर्स की बहुत ही कमजोरी थी तो उनके पास छोटी मोटी बेड़े थे छोटे मोटे लड़ाई के जो है शिप्स थे अभी अचानक ऐसा हमला करता है कि यहाँ के पूरे शिपों को डुबा देता है और अनकरीब था कि वो मदीने में दाखिल हो जाता ये खबर रहमतुल्लाह रही को पहुंचती है इसी जमाने में तो फौरन इनके मातह जो सिपे सालार थे जिनका नाम हुसामुद्दीन लूलू जो मिस्र में हुआ करते थे उन्हें हुक्म देते हैं कि फौरन आगे बढ़े और इन जालिमों को रोके तो वो अपने साथ चंद लोगों को लेते हैं जिनकी तेदाद बड़ी मुश्किल से सौ डेढ़ सौ के आसपास थी ये लेके बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और इन ईसाइयों के बेड़ों को मार गिराते हैं और अल्लाह की मदद मिलती है तो इन पूरों को जितने भी ईसाई थे इन सबों को अरेस्ट कर लिया लगभग उनकी तेदाद तीन सौ की थी और इनके डेढ़ सौ दो सौ की तैदाद मार के खत्म कर दी गई और इन 300 लोगों को अरेस्ट करके ये मिस्र वापस लाते हैं और सलाहुद्दीन यूबी को खत लिखते हैं कहते हैं कि अब मेरे पास 300 सौ कैदी हैं ईसाइयों के मैं इनके साथ क्या करूं तो सलाहुद्दीन सलाहुद्दीनयूबी जो आमतौर पर रहीम दिल आमतौर पर माफ करने वाले उन्होंने कहा कि इनमें से किसी को नहीं छोड़ा जाए सबको खत्म कर दिया जाए क्योंकि इनका जुर्म बहुत बड़ा है ये जो रेड सी है ये जो स्ट्रिप जो बेल्ट है ये अल्लाह ने मुसलमानों के लिए रखा हुआ है और यहां पर मक्का मदीना जैसे मुकदस इलाके हैं यहां पर पहुंचना आसान नहीं है यह हमारे लिए हमेशा रेड लाइन है इसे कोई टच नहीं करेगा तो अगर हमने इन्हें माफ कर दिया तो हो सकता है कि कोई दूसरा शर पसंद आगे चल के वो दोबारा इसकी कोशिश करे तो इन्हें ऐसी सजा दो कि पूरा यूरोप इसे सुन के इधर जाए तो 300 सौ ईसाई जो कैदी थे जो हंगामा मचाने आए थे इन्हें एक ही दिन 300 के कैदियों को उनके सर मार दिए जाते हैं और सबको कत्ल कर दिया जाता है यह पैगाम सलाहुद्दीन को पहुंचाया गया तो सलाहुद्दीन ने पहुंचा भाई इनका जो बड़ा था वो कौन है तो कहते हैं तो सलाहुद्दीन ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई तो तो बच गया है जरूर वापस आएगा तो यहां पर जब ये अर्नाल्ड भागा तो ये भागकर कहां पहुंचता है ये भागकर पहुंचता है पहुंचता है बैतुलमक अब वहां पर रहता है अब इसके जो लोग मारे गए इसका गम इसे भयानक तौर पर खा रहा था कि मेरे इतने लोग मर गए हैं इस, इसे जो है ये जो पहले से जो मकसद लेकर आया उस मकसद में उसे कामयाबी नहीं मिली और साथ साथ इसके लोग भी मर गए तो इसे बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई तो मुसलमानों को लेकर इंतहाई निडर और मुसलमानों को लेकर इंतहाई नफरत वाला बन जाता है और जहां कहीं भी मुसलमान देखते उन्हें अजियत देने की कोशिश करता तो ये जिन रियासतों में रहता है उन रियासतों में से बाज मुसलमान निकल के हज के काफिले में जाते हैं तो यह उन हाजियों पर हमला करता है उनमें से कई लोगों को कत्ल करता है और बाज हाजियों से कहता है कि चलो चीखो अब तुम तुम्हारे मोहम्मद को बुलाओ देखते हैं कि तुम्हारी मदद के लिए कौन आता है ऐसा कह के इसने कई हाजियों को कत्ल कर दिया और यह बहुत ही बड़ा जुर्म था इस मौके पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि इस जालिम का कत्ल मैं अपने हाथों से करूंगा तो ये जो वाक हुआ और अर्नाल्ड को जिस तरीके से तराबलुस के बादशाह और जिस तरीके से बैतुलम के बादशाह ने सपोर्ट किया उन्होंने ट्रीटी को तोड़ दिया उन्होंने जो जो साल की जो ट्रीटी थी वो ट्रीटी टूट गया ट्री टी के अतबार से दुश्मनों को मदद नहीं करनी थी जैसे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का का वाक कैसे कैसे पेश आया जो फतेह मक्का है ये पूरी सीरत के अंदर बल्कि पूरे तारीख इस्लामी में सबसे बड़ी जीत है अल्लाह ने कुरान में अर्षाद फरमाया इन्ना लका हमने तो आपके लिए खुली जीत दी है तो अल्लाह ने फतह मक्का को खुली जीत कही ये फतह मक्का का वाक कैसे पेश आया ये कबीला था जिन्हें बनु बकर कहा जाता है और एक कबीला था जिन्हें बनु खजा कहा जाता है बनु खजा का कबीला ये मुसलमानों के साथ जुड़ा हुआ था बनु बकर का कबीला ये मुशरकिन के साथ जुड़ा हुआ था अब ये दो कबीलों के दरमियान लड़ाइया हो गई बनु बकर और बनु खुजा के दरमियान मक्के के आउटस्कर्ट्स में लड़ाई हो गई तो वहां पर कुरैश को खामोश रहना चाहिए क्योंकि ये दो कबीले आपस में लड़ रहे हैं ट्रीटी सुलह सुलहबिया के मुताबिक मुसलमानों के हम पर हमला और मुसलमानों के दुश्मनी की साधदारी नहीं करेंगे यही तो ट्रीटी में लिखा हुआ था उदेबिया में लेकिन इन लोगों ने क्या किया कुरैश ने रात के अंधेरियों में बनू बकर की तरफदारी की असलिहा दिया और कुरैश के बाद सरदार बनू खुजा के सरदार को कत्ल करते हुए देखे गए तो वहां से एक साहबी जो आगे चल के मुसलमान होते हैं जिनका नाम बुदेल बिन बुदेल्ला था वो दौड़ते हैं सीधा मदीना और मदीना पहुंचकर खबर पहुंचाते हैं कि कुरैश ने ने बकर की तरफ दारी की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं किया सीधे फतेह मक्का की तैयारी का ऐलान कर दिया कहा कि हम अब मक्का की तरफ जाने वाले हैं तो दस हजार के लश्कर की तैदाद की तैयारी हुई और उसके बाद आप ने मक्के पर चढ़ाई की और उसके बाद अबू सुफियान आते हैं जो उस वक्त के कुरैश के सरदार थे वो आते हैं ताकि दोबारा ट्रीटी को रिन्यूअल करें नबी सासल में गुफ्तु नहीं की उनसे क्योंकि ट्रीटी टूट गई बस ये गलती तुम्हारे तरफ से थी अब ये हमारे लिए ऑप्शन होता है कि हाँ चाहे हम माने चाहे हम ना माने तो बिल्कुल उस तरीके से यहां पर होता यह है कि अर्नाल्ड की जब तराबुल्स का गवर्नर और बैतुल बैतुलमकद का किंग बादशाह ने जब अर्नाल्ड की तरफदारी की तो सलाहुद्दीन अयूबी अलैह के साथ जो ट्रीटी की गई थी छह साल के लिए वो ट्रीटी अब टूट गई अब जैसे ही ट्रीटी टूट गई इन लोगों को मालूम हो गया कि अब सलाहुद्दीन खामोश रहने वाला नहीं है तो सलाहुद्दीन ने फौरन एक खत लिखा तराबुलिस के के उसके पास खत उसके पास खत पहुंचता है और खत में लिखा हुआ था कि अर्नाल्ड को फौरन में तरफ भेज दो उसके खतरनाक जरायम हैं तो सीधे सीधे अर्नाल्ड को हमारे हवाले कर दो वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो लूजियान और उसके बाद जो भी रेमॉन्ड थे ये आपस में बैठ के करने लगे कि करें क्या ने इतफाक किया कि नहीं हम अर्नॉल को सरेंडर नहीं कर सकते तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए तो हुआ ये कि चंद महीनों के बाद लगभग एक महीने के बाद खबरें पहुंचती हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी ने अपना लश्कर उठा लिया है और यहां पर ये जो रेमॉन्ड था ये दौड़कर सलाहुद्दीन अयुबी के कदमों में गिर जाता है कहता है कि ये मुझसे गलती हो गई ये असल में बैतुल मकदीस के बादशाह की गलती है मैंने अच्छी राय दी मैंने सुलह की राय दी वो इसके लिए तैयार नहीं है उसके साथ जियॉर्ड अर्नोल्ड ये सब मिल गए हैं इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारे साथ ट्रीटी करना चाहता हूं ये दौड़ कर आता है और सलाहुद्दीन ऐबी के पास कदमों में गिर जाता है तो सलाहुद्दीन एयूबी उसके साथ ट्रीटी को रिन्यूअल कर लेते हैं और इस शर्त के साथ कि तुम हमारे लश्कर को तुम्हारे इलाके से गुजरने दोगे अब यहां पर सलाहुद्दीन की जो पुरानी दुआ थी जिसके लिए वो मेहनतें करते थे कि तराबुलुस का रास्ता खुल जाए वहां से बैतुल बैतुलमक में दाखिल हो जाए मैंने आपको बताया बैतुल बैतुलमकद का राह अगर आप नॉर्थ से आएंगे तो पहले रोहा का इलाका पड़ता है उसके बाद तराबुलुस उसके बाद बैतुल बैतुलमकद अगर तराबुलुस में अगर लोगों ने रोक लिया तो बैतुल जाना मुश्किल हो जाएगा या तो फिर आप समंदरी इलाके में से आए अब इन लोगों सलाहुद्दीन पास समंदरी ताकत नहीं वो समंदरी हमला नहीं कर सकते वो तो जमीनी हमला कर सकते हैं तो यहां पर आए तो तराबलुस के किले में रोक दिया जाएगा तो जब रेमॉन्ड आके उसने सिलेंडर ट्रीटी की तो सलाहुद्दीन सलाहुद्दीनयूबी ने कहा कि रास्ता छोड़ दोगे बस कोई तरफदारी की जरूरत नहीं हमारा जब लश्कर गुजरेगा तुम उन्हें टच नहीं करोगे तो रेमांड ने कहा कि ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूं तो रेमॉन्ड के साथ ट्रीटी हो जाती है और सलाहुद्दीन अयूबी वहां से अपने काम का आगाज करते हैं जो उनकी दुआ थी मैंने आपको बताया उनकी जिंदगी के सिर्फ दो मकसद थे पहला मकसद ये कि बैतुल बैतुलमक को रिहा करें और नंबर दो हज करें और बैतुल बैतुलम को तो रिहा कर लिए लेकिन हज नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे हज करने के लिए अल्लाह अकबर ऐसा कुर्बान ऐसा जो है बादशाह गुजरा था तो ये अब जैसे ही रेमॉन्ड ने अपने आप को सरेंडर किया तो कहा कि रास्ता छोड़ दोगे तो उसके बाद यूबी रहा पांच सौ चौरासी फाइव हंड्रेड एंड एटी फोर हिजरी को या फिर फाइव हंड्रेड एटी थ्री के आखिर में ये अपना लश्कर लेके अब सीधे बैतुल बैतुलमकद की तरफ जा रहे हैं अब इनके लिए मौका मिल गया कि इससे बेहतर मौका नहीं कि हम बैतुल को बिस करें बैतुल का मुहासरा करें अब तराबुलस जो है वो तो हमारे साथ है रास्ता खुल गया तो ये अपना लश्कर लेकर जाते हैं लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि ये तराबुलुस जाएंगे और आगे बढ़ के बैतुल बैतुलमकद में हमला करेंगे या फिर वहां पकड़ेंगे लेकिन लोगों को ये खबर मिलती है कि सलाहुद्दीन अयू बरिया एक किला है एक तबरिया बहुत बड़ा कुआं है जिसका जिक्र मैंने आपको पहले भी किया कियाली जिसे कहते हैं बहुत बड़ा मीठे पानी का कुआं है फ्रेश वाटर पॉन्ड है बहुत बड़ा है तो उसके पास एक मजबूत ईसाइयों का किला था और वहां पर एक बाशाह था ईसाई जिसका नाम था बिलियन इसके आसपास वो सूर के इलाके पड़ते हैं जहां पर ईसाइयों की हुकूमत थी तो इस किले को सीधे सलाहुद्दीन जाते हैं इसे बिल्कुल बीसीच कर लेते हैं अब ये जो ईसाई थे इन्हें परेशानी थी कि ये सोच रहे थे कि ये या तो फिर तराबलुस को अपने कंट्रोल में लेंगे या तो फिर ये बैतुल बैतुलम को कंट्रोल करेंगे या तो फिर सूर जैसे इलाके को ये तो बिल्कुल छोटा सा किला है बाद में ईसाइयों ने गौर किया तो मालूम हुआ कि उनकी पूरी खानदान औरतें उनकी वहीं रहती हैं तो परेशान हो गए कहा कि ये यहां अच्छा ठीक है औरतों को क्यों इन्होंने किले में लिया क्यों इन्हें कंट्रोल किया इन्हें मालूम है कि औरतों पर हाथ नहीं उड़ाते ने इतफाक से कहा कि ये कभी भी औरतों पर हमला नहीं करते औरतों बच्चों पर हमला करना इनके यहां जायज नहीं लेकिन इन्होंने पूरे किले को अपने कंट्रोल में ले लिया आखिर क्यों इन लोगों को समझ में नहीं आया अब ये जब मैदान में जाएंगे तो मालूम होगा कि ये आखिर हुआ क्यों तो हुआ है कि इन लोगों ने देखा कि ये उधर जाके पूरा कंप्लीट कंट्रोल कर लिए हैं तो अब ये तीनों जमा हो जाते हैं ये रेमॉन्ड जो ट्रीटी किया हुआ था ये भी गद्दारी करता है ये भी जाके बैतुल बैतुलमकदीस के बादशाह लुजियाना के साथ मिल जाता है अब ये तीनों मिल गए बल्कि चारों मिल गए एक जिराड एक गुंडा अर्नाल्डो एक गुंडा और उसके बाद बैतुल बैतुलमकद का जो बादशाह जिसका नाम लुजियाना और उसके बाद तराबुलस का बादशाह जिसका नाम रेमंड ये चारों मिल जाते हैं अब ये चारों मिल के एक जबरदस्त लश्कर तैयार करते हैं अब ये लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम आगे बढ़ेंगे बैतुल बैतुलमकद को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कंप्लीट पूरा पावर लगा के क्योंकि यहां ये खिलाफ फताह करने के बाद सलाहुद्दीन नयूब यहीं आएंगे अब ये उधर दूर दराज इलाके को इन्होंने बिशीज किया हुआ है मुहासरा किया हुआ है हमको पता नहीं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया लेकिन इनका नेक्स्ट स्टेप बैतुलमकदीस ही होगा इसके अलावा कोई चारा नहीं अब इन्होंने तो तराबलुस को पार कर दिया था तराबलुस का जो किला था उसे पार करने के बाद ये आगे बढ़ के वो समंदरी इलाके के किले को अपने मुहासरे में ले, ले लेते हैं अब इन लोगों ने सोचा कि हम जाएंगे बैतुल बैतुलमकद को स्ट्रांग कर लेंगे अब उसके बाद सलाहुद्दीन भी वहां से आएंगे तो हम इन्हें एक निपट लेंगे जब ये रास्ते में जा रहे थे तो इन चारों में इख्तलाफ हो गया चारों में एक ने कहा कि हमारे खानदान उधर है हमारे बीवी बच्चे उधर हैं रेमान ने कहा कर कहा कि खुदा की कसम लिख लो सलाहुद्दीन ये भी औरतों पर हमला नहीं करता है बच्चों पर हमला नहीं करता है तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं मेरी बात मानो बैतुल बैतुलमकद को स्ट्रांग कर लो वो चीखता रहा बल्कि चारों ने कहा कि नहीं नहीं हमारी औरतें अंदर हैं हम इन्हें बचाना ही है तो ये सीधे जो है गए अब वहां पर पहुंचा तो इन्हें मालूम हुआ कि खतरनाक ट्रैप था हुआ ये कि एक तरफ समंदर है समंदर के कोने में एक किला है अब इस तरफ समंदर है तो यह किले के जाने के रास्ते में के पहले इस तरफ एक पहाड़ी पड़ती है जो बिल्कुल पानी में पहाड़ में चढ़ेंगे तो पानी में उतरेंगे ऐसी पहाड़ी है और इस तरफ और एक पहाड़ी है यार पहाड़ी के बीच में रास्ता जाता है जो इस किले को जाता है अब पहाड़ ये इस रास्ते के शुरू में एक कुआं है जिसका नाम आइन तुरान फीच एक कुआं है जिसका नाम आइन हितिन अब इस हितिन की वजह से इस लड़ाई को हितिन की लड़ाई कहा गया तो ये दो कुआं थे तो ये आगे बढ़े इनको लड़ाई के स्ट्रेटजी के मुताबिक पहले तो बैतुल बैतुलमकद को करना था वो तो नहीं किया या फिर कम अज कम कुओं को कंट्रोल कर लेते कुओं को भी इन्होंने कंट्रोल नहीं किया और सीधे के औरतों के जो है उनके इस किले को उन्होंने मुहासरा कर लिया तो ये जो तीन थे इन्होंने अब इन्हें जो है ये परेशानी थी कि इनकी औरतों को मार दिया जाएगा वो जॉर्ज से बड़ी तेजी से आ रहे थे पीछे से रहमान चीख रहा था कि तुम लोग ट्रैप में फंस रहे हो लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुने वो लोग सीधे किले के पास गए तो ये जैसा रास्ता था रास्ते के जैसे ही सामने गए तो सामने इन्होंने लक्षण खड़ा कर दी ये जब पीछे से आ रहे थे तो पीछे से लग कर दिया दोनों लश्कर को उधर से और इधर से अलग कर दिया अब जैसे ही ये दोनों कुओं के दरमियान ये फंस गए तो तब जाके वो जो मकदिस का बादशाह था उसे मालूम हुआ कि हमें खतरनाक तौर पर फंसा दिया गया हालांकि उनके पास लगभग लगभग साठ हजार के लश्कर थी पूरे पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे अब सलाहुद्दीन अयूबी के पास सिर्फ बारह हजार के लश्कर है वो भी सलाहुद्दीन अयूबी इन लोगों के पास इतफाक था इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद जितनी भी लड़ाई आई ईसाइयों ने कहा कि खुले मैदान लड़ नहीं सकते खुले मैदान में सलाहुद्दीन के पास लड़ नहीं सकते या तो फिर इसके इलाके में हमला करो या तो फिर इसके किलों को बिसेज कर लो मुआसरा कर लो तब जाके लड़ सकते हो खुले मैदान में लड़ने का इम्कान ही नहीं बस क्योंकि इनके लड़ने का स्टाइल यह था कि एक, एक टोली के पास लड़ाई हो रही है तो इन लोगों को मालूम नहीं होगा कि टोली कहीं से आ रही है ये अपने लश्कर को छोटी छोटी टोलियों में बांटा हुआ था ये खालिद बिन वलीद की स्ट्रेटेजी थी जो सलाहुद्दीन भी अपनाते थे उनके जितने भी लश्कर है वो सौ 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 की टोलियों में जमा करते थे अब इनके पास ईसाइयों के पास लड़ने का स्टाइल ये था कि ये मजबूत जिररे वजनदार तलवारें और हेवी वेट चीजों को पहनकर सफों में खड़े हो जाते बस और स्लोली मूव होते अब इनके पास ये है कि इन सफों को तोड़ा ना जाए अब मर जाएंगे सफों को तोड़ने नहीं देंगे लेकिन सलाहुद्दीन सराहुद्दीन के पास लड़ने का स्टाइल कुछ और ही था अचानक सौ लोग हमला करते हैं गायब हो जाते हैं ये लोग इधर देखते रहते यहां से, से सौ लोग हमला करते हैं तो ये मैदान में घुमा फिरा के मारते हैं अब ये ऐसे ट्रैप में फंसे हैं कि यहां पर कोई बच के वापस नहीं जाएगा उसी वक्त किसने कह दिया रेहमान कह दिया कि इसमें से कोई बच के वापस जाने वाला नहीं अगर कोई बच के भागना चाहे तो भाग जाए यहां पर कोई बच के जाने वाला नहीं लेकिन वो जो बैतुल का बादशाह था उसने कहा कि नहीं हमको अब मुकाबला करना ही करना है तो उसने अपने लश्कर के तीन हिस्से बांटे बीच के हिस्से में ये खुद जिम्मेदार बन गया ये खुद बन गया इस तरफ के लश्कर को रेमांड को दे दिया और इस तरफ के लश्कर को बिलियान को दे दिया तो ये तीनों लश्कर ये दो पहाड़ियों के दरमियान एक ही रास्ता इस तरफ कुआं है इस तरफ कुआं है अब दोनों कुओं को कंट्रोल किए हुए इनको पानी भी नहीं और ऐसी कड़ाकी की धूप वो इलाका बहुत ही गर्म इलाका है दुनिया में सबसे गर्म इलाका तलाबीब है तलाबीब जानते हैं अवीव कहते हैं जो इसराइल का कैपिटल है वहां पर नॉर्मल पचपन मारती है धूप और कभी कभार पैसठ साठ को पहुंच जाती है सबसे गर्म इलाका है और ये जो लड़ाई हो रही है बिल्कुल उसके आसपास पास की लड़ाई है तो ऐसी कड़ाके की गर्मी ये पूरे यूरोप से आए हुए थे इन्हें यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लड़ाई लड़े पहले तो ऊपर से गर्मी अब चारों तरफ से फंसे हुए हैं और पीने के लिए पानी नहीं अब उसके ऊपर यह कि सलाहुद्दीन अयुबी हाँ, पता ही नहीं कहां है तो दो ट्रैक हो गए भाई कहां फंसा दिया तो अचानक यह जो बिलियान जिसका जो सिपह साल था उस इलाके पर ऐसे तीर गिरते हैं ऐसे तीर गिरते हैं सर उठाते हैं तो उन्हें आसमान नजर नहीं आ रहा था इतने तीर भयानक तीर गिरे कि बिलियान की जो भी लश्कर थी तितर बितर हो जाती है जब वो दौड़ने लगे सलाहुद्दीन अयुबी ने कहा कि इन पहाड़ों में आग लगा दे कड़ाके की गर्मी थी पूरा घास बना हुआ था तो पहाड़ों में आग लगा दिया गया तो ये इस तरफ से गर्मी अब और गर्मी बढ़ गई और हेवी ये लोग पहने हुए हैं भाग नहीं पाए तो इनमें से एक बच्चा बचता नहीं तीस हजार को मार के गिरा दिया जाता है तीस हजार ईसाई कत्ल कर दिए जाते हैं और तीस हजार ईसाई वो अपने हथियार डाल के सीधे सलाहुद्दीन बिग पास सरेंडर हो जाते हैं तो साठ हजार की तैदाद में तीस हजार सिर्फ आधी दिन की लड़ाई थी और तीस हजार को खत्म कर दिया जाता है और तीस हजार इनके पास बतौर गुलाम आ जाते हैं इस लड़ाई को मारक हद्दीन कहा गया जिसमें ये सबसे पहला हमला इतना बड़ा हमला और ऐसा हमला कि इसके बाद तमाम आलम इस्लामी को यकीन हो गया कि ये जो सलाहुद्दीन अय्यूबी और इनके उस्ताद नूरुद्दीन जंकी जो कहते हैं कि हम ईसाई को मार्ग भगाएंगे ये वाकई करने वाले वरना इससे पहले लोगों ने कहा कि मुमकिन नहीं क्योंकि जितनी भी रियासतें हैं इनका बैकअप यूरोप कर रहा है इसके पीछे इटाली है इसके पीछे जर्मनी है इसके पीछे इंग्लैंड है इसके पीछे फ्रांस है और उनकी भयानक ताकत है और ढेर सारे उनके बाबा रोजाना इस्लामी दुश्मनी फूंकते रहते हैं तो इनके यहाँ मुकाबला करना मुमकिन नहीं ये तकरीबन जितनी भी रियासतें थी उनके जितने भी बादशाह थे सबों ने यही समझा हुआ था लेकिन ये लड़ाई के बाद लोगों को यकीन हुआ कि सलाहुद्दीन यू भी जो कह रहे हैं वाकई कर कर दिखा सकते हैं तो इस लड़ाई को मारक हितिन कहा जाता है हजी साथियों और जैसे मारक हितिन हुआ और अल्लाह के फजलो करम से बहुत बड़ी जीत हुई तो अब यहां पर हुआ ये कि इन पूरे बादशाहों को पकड़ लिया गया सिर्फ एक था बिलियान वो बच के भाग जाता है और वो सीधे बैतुल बैतुलमकदीस को चले जाता है अब उसे मालूम है कि नेक्स्ट वहीं पर हमला होने वाला है तो इसने खत लिख के जितनी भी ताकतें थी सब को बैतुल बैतुलमकदीश में छोड़ दिया वो एक बचता है बाज लोगों ने कहा कि बाकायदा उसे छोड़ दिया गया था वरना यहां पर एक चिड़ी भी बचने वाली नहीं थी बायदा बिलियान को भगा दिया गया था ताकि वो प्रॉपर जाके आउदी सीधी गलतियां करे और उसके बाद बैतुल मकदीस को पकड़ने में आसानी हो जाए ये कहा जाता है कि स्ट्रेटेजी के तहत उसे भगा दिया गया था लेकिन वो ये समझ रहा था कि मैं होशियारी से बच गया और बकी बचे कौन एक रेमोल्ड और एक लुजियाना और एक अर्नॉल्ड और जेरोड ये चारों को पकड़ लिया जाता है चारों को अरेस्ट कर लिया जाता है हाथों को बांध दिया जाता है चारों को घुटनों में बैठा दिया जाता है कहा जाता है कि इंतजार करो हमारे सुल्तान आएंगे तो हुक्म होता है कि खीमे में रख दिया जाए और मैं आऊंगा तो लोग इंतजार कर रहे थे तो सफों के दरमियान तेजी से घोड़ा उड़ाते हुए सलाहुद्दीन अयुबी आकर पहुंचते हैं तो सलाहुद्दीन अयुबी को देखते हैं तो इनके कलेजे मुंह को आ जाते हैं सबको मालूम हुआ अब मौत के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं तो सलाहुद्दीन पहुंचते हैं तो एक कप पानी उठाते हैं पानी उठाकर बैतुल बैतुलमकदीस का जो बादशाह था लुजियाना उसे एक कप पानी देते हैं मैं एक थोड़ा पी लेता हूं ये इशारा ये ये इशारा ये कि हम आपसे कोई मसला नहीं हम आपको छोड़ देंगे तो वो बादशाह जो पानी पिया वो पीते पीते उसने अर्नाल्ड को दिया तो सलाहुद्दीन कितना गुस्सा आया कि उसके हाथ में मारते हैं कहते हैं कि पानी हमने आपको दिया है हम आपसे खुश हैं या फिर आपको माफ करना चाहते हैं इस जालिम को नहीं और जैसे ही वहां पर अर्नाल्ड पानी पी रहा था उसके हाथ को गिराने के बाद उसके बाद अर्नाल्ड को पकड़ते हैं और उससे जो है कहते हैं कि तूने हाजियों से कहा था कि या मोहम्मद बुलाओ देखते हैं तुम्हें मदद करने के लिए कौन आएगा देखिए मैं आ चुका हूं मदद करने के लिए अब मैं मोहम्मद का पैरो हूं और उसके दीन की तबाह करने वाला हूं वो हाजियों ने पुकारा तो अल्लाह ने उनकी पुकार को सुना अल्लाह ने मुझे भेज दिया है और खुदे औो क्या सुनना चाहता है कुत्ते ये उनके जो अल्फाजे कहते और तू क्या सुनना चाहता है तू बगैर रहम करम के औरों तो बरहाट जाता है तुम शर्म नहीं आती तू इंसान है कि दरिंदा है खूब गालियां देते हैं और उसके बाद उसकी पूरी गलतियों को गिनाते हैं तो नबी सल्लम के तुझे कितनी जरूरत हुई कि तू मक्के पर नजर उठा सकता है तेरी इतनी जरूरत तू मदीने पर नजर उठा सकता है तू तो एक कीड़ा है तुझे हम फूक कर उड़ा सकते हैं और उसे जैसे ही बात कर रहे थे उसके बाद तलवार से उसके गर्दन को मारते हैं तो उसके जो है सर जुदा हो जाती है अब जैसे ही उसका सर जुदा हुआ ये जो बाकिया थे सबके जो है पैर हिलने लगे तो लुजिया ने से कहा कि हम आपको माफ करते हैं शर्त ये कि आप इसके बाद कभी भी इस्लामी दुनिया में नजर नहीं आओगे अब चले जाओ जहां से आए थे हम आपको छोड़ देते हैं हम जो है आपको मारना नहीं चाहते और उसके बाद जो जिराट को बुलाया उसे कहा कि तुम चले जाओ और उसके बाद बैतुल बैतुलमकद की तरफ नजर भी उठाकर ना देखे ये कहे कि इन लोगों को भेज दिया जाता है और उसके बाद जल्दी जल्दी वो अपने लश्कर को तैयार करते हैं अब कहां जाना है अब बैतुलमकद की तरफ जाना है और बैतुल बैतुलमकद की तरफ बड़ी तेजी से अपने लश्कर को ले जाते हैं अब इनके सामने दो रास्ते थे या तो फिर सीधे बैतुलमकद चले जाएं अब सीधे बैतुल बैतुलमकद जाएंगे अब वहां पर पहले से बिल्न पहुंचा हुआ है अब बिल्न ने कैसे कैसे लोगों को बुलाया है उसकी क्या क्या तैयारियां हैं इसके बारे में खबर नहीं अब यहां मसरूफ है साठ हजार के लश्कर को बारह हजार के लश्कर मार रही है तो गैर मामली एक इवेंट है यहां तक कहा जाता है कि ये ऐसे वाकयात में से हैं जिन्हें पूरे तारीख इस्लामी में हाईलाइट करना चाहिए बाज ऐसे दिन हैं जिसे मुसलमान भूल नहीं सकते जैसे बदर का दिन हो गया जैसे ओहद का दिन हो गया जैसे फतेह मक्का का मौका हो गया वैसे मैंने आपको मारकद तो बरोजा के बारे में बताया जो बहरी लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई वो उन दिनों में से है और ये भी उन दिनों में से है जिसे मुसलमान कभी भी भुला नहीं सकते मारक मारकिन मुसलमान कभी भी नहीं भुला सकते उसमें अल्लाह ने ऐसी जीत दी तो अब इनके सामने एक था कि सीधे बैतुल चले जाएं या फिर साहिल का रास्ता लें और साहिल के रास्ते में जहां कहीं भी रुकावटें हैं और छोटे छोटे जो इलाके हैं इन्हें पैक करते हुए उसके बाद बैतुल जाएं तो राय मशवरा लिया गया तो लोगों ने कहा कि नहीं हम समंदिर इलाके में चले जाएंगे उन इलाके को कवर करके बाद में बैतुल बैतुलमकद में आएंगे तो बड़ी तेजी से तीन चार महीने में ये समंदरी इलाके साहिल इलाके जितने भी वहां पर किले थे सबको अपने कब्जे में लेते हैं और उसके बाद बैतुल मकदीस की तरफ आगे बढ़ते हैं अब बैतुल मकदीस गए कोई रोकथाम नहीं सीधे गए बैतुल मकदीस को मुहासरा कर लिया पहले दिन देखा गया हमला किया गया लेकिन अंदर से खतरनाक जवाब आ रहा है एक तीर के बदले चार तीर आ रहे हैं एक हमले के बदले चार हमले आ रहे हैं तो सलाहुद्दीन अयूब ने समझ लिया कि अंदर इनकी बेहतरीन तैयारी है तो बिलियान को काफी वक्त मिल गया तो इसने बेहतरीन तैयारी कर ली तो अब करे क्या तो बाकायदा हमला करते रहे तो इस हमले में दो हफ्ते निकल गए इस हमले में दो हफ्ते निकल गए एक फिल्म है उसका नाम शायद किंगडम ऑफ हेवन है ना किंगडम ऑफ हेवन एक फिल्म उठाई गई उसमें पूरा झूठ बताया गया उसमें बताया गया है कि सलाहुद्दीन हार जाते हैं या फिर वो ट्रीटी की तरफ चले जाते हैं है, है, है। उस है। और उसके बाद सलाहुद्दीन ने इसे फतह कर लिया वो कैसे फतह करते हैं दो हफ्ते के हमले हुए तापड़तोड़ हमले हुए अंदर से तापड़तोड़ जवाब आते हैं कुछ भी कर नहीं पाए तो एक मरतबा सलाहुद्दीन सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद कहते हैं कि कैसे इसे फतेह करें बहुत देर दुआ करने के बाद वहां से उठते हैं अपने घोड़े में और किले के आसपास घूमते हैं तो उन्हें एक एक कोने में में लगभग समझिए कि मीटर का इलाका उस किले के दीवार कमजोरी नजर आती है फौरन कहते हैं कि यहां पर हमला करें तो जितने भी मिंजनिक थे मिंजनिक एक किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बड़े बड़े बारूद के हांडियां रखी जाती हैं और उन्हें फेंका जाता है वो कई मीटर तक उड़ते हैं और बड़ी तेजी से गिरते हैं और गिरते हैं तो फटते हैं खूब आगे से निकलता है तो जो भी करीब होगा उसे जला देते हैं तो इसे मिंजनीक कहा जाता है और बाज वक्त बाज मुसलमान जोश में आ जाते हैं तो मुसलमानों को रख के फेंक देते हैं ये उड़ के किले के अंदर गुजर जाते थे ऐसा भी हुआ है तो हुआ है कि सराहुद्दीन अबी ने कहा कि मिंजनीक के जरिए से इस, इस इलाके पर हमला करें इंशाल्लाह अल्लाह फतह देगा तो जाते हैं और तापड़ तोड़ हमला करते हैं आधे दिन के बाद ये दीवार गिर जाती है और मुसलमान बैतुल बैतुलमकदीस में दाखिल हो जाते हैं तो जैसे ही बैतुल मकदीस में दाखिल हुए तो मुसलमानों की तैदा काफी बड़ी थी दस हजार बारह हजार के आसपास इनके लश्कर थी ये सब बैतुल मकदीस में दाखिल हो जाते और अंदर दाखिल हुए तो ये जो बिलियान था सीधे पैर में पड़ जाता है कहता है कि मैं आपसे सुलह करना चाहता हूं तो सलाहुद्दीन ने कहा कि सुलह कुछ भी नहीं हम आपकी जान की बख्शिश कर सकते हैं तुम यहां से चले जाओ और कहा कि जो भी यहां पर रहना चाहता है रह सकता है जो भी बच के जाना चाहता है बच के जा सकता है जो भी जाना चाहता है वो सिर्फ एक दिनार मुआवजा दें और उसके बाद इस जगह को छोड़ दें और इन्होंने कहा कि जो भी बचके जाना चाहता है उसके पास सवारी नहीं है हम सवारी सप्लाई करेंगे कहीं और चले जा रहे हैं अगर रहना चाहता है तो उसके लिए खुली छूट है हम उसे कोई बसपुरुष नहीं कहेंगे तो ये सलाहुद्दीन नयूब रहा ने बिल्कुल नबी वसल्लम का मामला किया और बहाउद्दीन शद्दाद कहते हैं कि जब बैतु में बैतुलमकद्दीन ये भी दाखिल हुए तो वो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज पर थे उनके घोड़े पर बैठे हुए थे और वो उनकी ठुड्डी घोड़े के कजावे से लग रही थी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मौके पर दाखिल हुए तो आप ने भी ऐसे ही अपने बंदे होने का इजहार किया फतेह मक्का आप जाते हैं कोई लड़ाई के बगैर सिर्फ दस हजार मुसलमान चल के मक्के में दाखिल होते हैं अल्लाह ने जीत दे देता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सवारी में बैठे हुए हैं और सर पर हेलमेट पहने हुए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिरा पहने हुए हैं और आप की ठुड्डी कजावे से घोड़े के ऊपर जो बैठते हैं जो है लग रही थी और आप की नजरें नीची थी और इस्तेफार पढ़ते हुए इस अजीम बस्ती में दाखिल होते हैं और दाखिल होकर आगे बढ़ते हैं और सीधे बैतुल काबतुल्लाह में जाते हैं और वहां पर जैसे ही जाते हैं तो कई खानदान मुशरकन के वो आके नबी सल्लम से माफी मांगते हैं अबू सुफियान आगे बढ़ के कहते हैं यार हमें अमन चाहिए हमें अमन चाहिए तो नबी सल्लम ने कहा कि सबके लिए अमन है जो भी अबू सुफियान के घर में दाखिल हो उसके लिए अमन है जो भी हिंद के घर में दाखिल हो उसके लिए अमन है तो कई मुश्रकिन के नाम लिए कहा कि जो भी यहां पर दाखिल हो जाए उसके लिए अमन है इज हबूम जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि आज के बाद कोई अदावत नहीं हम आप सबको माफ करते हैं तो नबी ने कहा कि हम आप सबको माफ करते हैं तो बिल्कुल सलाहुद्दीन यूबी ने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई और आजिजी इंकिसारी का ऐसा आलम आंखों से आंसू जारी और वो चीजें सोच सोच के इनके दिल में और गम बढ़ते जा रहा है और वो अल्लाह की शुक्रिया अदा करने का जज्बा और बढ़ते जा रहा है कि अल्लाह ने इनके जरिए से इतना बड़ा काम किया बैतुलमकद को फतह करना ये उमर बिन खत्ताब रजियन के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के हक में आया सबसे पहले बैतुलिस को उमर बिन खत्ताब ने फतह किया बगैर किसी लड़ाई के वहां के पादरियों ने सीधे सीधे मुआविया बिन अबी सुफियान के हाथ में कुंजियां दे दी कहा कि ये इलाका आपका है हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि बाज लोग आएंगे और वही इसकी हुकूमत करेंगे तो यहूदियों ने मिल के हाथ में कुंजी दे दी थी उमर बिन खत्ताब और उमर बिन खत्ताब को बुलाया गया शर्त लगाया गया कि हम आपके खलीफा के हाथ में कुंजिया आने देंगे तो उमर बिन खत्ताब ने वो एक महीने का मशहूर सफर किया और वहां पर बैतुल बैतुलमकद्दिस में पहुंचते हैं और कुंजियां लेते हैं और बैतुल बैतुलमकदीस को देख रो दे दे हैं। कह देंगे तुम लोगों ने इसे क्या किया और तलाश करते हुए जाते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिंबर को बताया जाता है कि यही सुलेमान अलैहिस्सलाम मिंबर है तो वहां से साफ सफाई करके वहां पर उमर बिन खत्ताब नमाज पढ़ते हैं तो ये उमर बिन खत्ताब के ज़माने में फतह हुआ उसके बाद मुसलमानों के पास रहा जब सलाहुद्दीन आए और उनके उस्ताद नूरुद्दीन जंकी के जमाने में इन ईसाइयों ने इसे बड़ा गंदा किया हुआ था तो सलाहुद्दीन ये नब्बे साल के बाद उमर बिन खत्ताब के बाद इसे फतह करने वाले आदमी है अब तारीख और वक्त तीसरे फातेह के इंतजार में है कि उमर ने फतह किया सलाहुद्दीन ने फतह किया अब कौन आएगा हमारे इसमें जो इसे तीसरी मरतबा फतह करे इस बैतुलमक को दोबारा मुसलमानों के तहवील में लाए क्या कुछ नहीं हो रहा है और मुसलमानों की पूरी जमीनों को इन्होंने लूट लिया है अल्लाह से दुआ करें कि ऐसे बेहतर आदमी को भेजे जो दोबारा इस मुबारक मस्जिद हमारे तीसरे हरम हमारे पहले किबले को वापस हमारे तरफ लाए और हम फलस्तीनियों के देखते हैं कि उन्होंने अपने पूरे खानदानों को लगा दिया लेकिन कभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं कि बैतुल बैतुलमकियों के यहूदियों हवाले कर दे मानने के लिए तैयार नहीं मर जाते हैं बच्चे बच्चे मर गए औरतें मर गई सब कुछ चले गए लेकिन वापस बैतुल बैतुलमकदीश देने की बात नहीं मर जाएंगे इसे लेकर रहेंगे ये साथियों और, और, और उनके दुश्मनों के पैरों को हिलाए उनके बच्चों को यतीम करें उन्हें इन बस्तियों से मार भगाए उन्हें उनके खानदानों को बर्बाद करें यह बदमिन की इन जालिमों पर जिन्होंने फलस्तनी को गाजर मूली की तरह मारा बच्चों की तरह मारा कई लाख अब तक मर गए अल्लाह सुबहाना इनके घरों को बर्बाद करें इनके बस्तियों को बर्बाद करें तो ये सलाहुद्दीन अयुबी थे जो आठ सौ चौरासी पांच सौ चौरासी में दाखिल हो रहे हैं बड़ी आसानी से जीत के अपने साथ लश्कर ले हुए अब सीधे मस्जिद की तरफ जाते हैं अब जैसे ही मस्जिद को देखते हैं इनके आंखों से आंसू जारी हैं कि मस्जिद की इन्होंने क्या हालत की हुई है मस्जिद में इन्होंने घोड़ों को खड़ाया हुआ है गोबर है कुरान पूरी मस्जिद को गंदी की हुई है लोगों को माफ कर दिया कहा जाए सबको हमारे लिए तरफ से अमान है और उसके बाद गए हेडक्वार्टर को अपने कब्जे में लिया अब सीधे मस्जिद की तरफ आ रहे हैं और मस्जिद की इस हालत को देखकर रोते हैं वो जुमे का दिन था सत्ताईस रजब का मौका था उस वक्त अजीब इतफाक है यह सत्ताइस रजब का मौका जुमे के दिन सलाहुद्दीन यूबी मस्जिद में दाखिल होते हैं और जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो पहले मस्जिद को उन्हें साफ किया और मस्जिद को साफ करने के बाद देखा वहां पर मिंबर पर कचरा है गंदगी फेंकी हुई है सबको साफ करते हैं और मस्जिद को हुक्म देते हैं कि अब जाए जाकर खूबसूरत इतर सबसे कीमती इतर जिसे मिस्क कहा जाता है उस इतर को मंगाते हैं और उस मित्र से मस्जिद को लगा साफ करते हैं दो तीन किस्म के इतरों को मंगाते हैं और मस्जिद को साफ करते हैं इसे मालूम होता है कि उनके अंदर कितना जज्बा था कि इसे बार बार साफ कर रहे हैं बार बार इस मस्जिद को धोया जा रहा है जब बिल्कुल मस्जिद चकाचौंध हो गई मस्जिद बिल्कुल उसमें खुशबू चारों तरफ आ गई तो कहा गया कि वो मिंबर लेकर आओ जो नूरुद्दीन जंकी ने बनाया हुआ था नूरुद्दीन जंकी ने एक मिंबर बनाया हुआ था जिसका मैंने जिक्र आपके किया जिसका नाम नाम्बर नूरी वो बना के अपने पास दिमश में रखे हुए थे कहा गया कि उस मिंबर को लाया जाए और कहा गया कि इस मेंबर को यहां पर रखा जाए और जुमे का मौका था उन्होंने अपने काजी से कहा कि चले आप खुतबा दें हम सब आपका खुतबा सुनना चाहते हैं उससे पहले उन्होंने दो रकात नमाज पढ़ी और बहुत देर तक रोते रहे और अल्लाह के बारगाह में शुक्रिया बजा लाते रहे और कहा कि अल्लाह तूने मेरे मकसद में कामयाबी दे दी अल्लाह तेरे लिए शुक्र हो और अल्लाह की शुक्रगुजारी में बहुत वक्त सफ करते हैं और उसके बाद काजी को बुलाते हैं कहते हैं कि आप खुतबा दें अब ये काजी जब खुतबा देने के लिए चढ़ते हैं तो उनका भी बड़ा अजीब और गरीब मंजर था उन्होंने कुछ कहा नहीं सिर्फ कुरान के आयतों से जिसमें अलहमद का जिक्र है उन आयतों को पढ़ते जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलहमद लबीन ये जितने भी जहां कहीं भी अलहमद था कुरान में पूरी आयतों को जमा करते हैं गोया कि इनके तरफ से अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं कुरान के जरिए से अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं ये पूरा पढ़ने के बाद वो उतरते हैं और एक सबसे पहला जुमा उधर पढ़ा जाता है अल्लाह के फजल से आज तक यहां पर जुमा चल रहा है ये नब्बे ये साल तक कोई जुमा भी नहीं नब्बे साल तक कोई नमाज नहीं बिल्कुल पूरी बर्बादी हो गई थी और ये जब नब्बे साल पहले दाखिल हुए नब्बे साल पहले इमादुद्दीन जंकी के जमाने में जब यहां के एक मुसलमान बादशाह को इन्होंने कत्ल किया और धोखे से इस, इस इलाके में दाखिल हुए तब ये दाखिल हुए उस वक्त इन्होंने लगभग चालीस से पचास हजार मुसलमानों को जबह किया चालीस से पचास हजार मुसलमानों को इन्होंने जबह किया जितने भी मस्जिदें थी सबको जला दिया जितने भी खुरानी नुस्खे थे सबको जलाया और मुसलमान औरतों को बेपर्दा किया और हर किस्म की गंदी हरकतें की कोई पूछने वाला नहीं था तो नब्बे साल पहले जो इन्होंने क़ियामत बर्पा किया यहां तक के एक ईसाई यूरोपियन राइटर बड़ी खुशी से कहता है कि जब हम बैतुलमकद में दाखिल हुए तो हमारे घोड़ों के घुटनों तक खून बह रहा था हमने मुसलमानों का इतना खून बहाया इतना खून बहाया कि बैतुलमकद के सड़कों में हमने खून के समंदर को दौड़ा दिया बड़े फखर और गुरूर से कहता है ये उस वक्त जब ये बैतुलमक में दाखिल हुए अब देखिए सलाहुद्दीन ये भी दाखिल हो रहे हैं एक चुड़ी का बच्चा कत्ल नहीं किया गया और ईसाई ये आने के बाद महफूज महफूज करते हैं और जितने मुसलमान थे उनसे थोड़ी कम तादाद में ईसाई थे और ईसाई यहां हमेशा से आज भी हैं और यहूदियों के कई इलाके थे जो पहले थे आज भी हैं तो यहूदी ईसाई मुसलमान सबों के लिए इधर इंतजाम था किसी को भगाया नहीं जो जाना चाहता जा सकता है और जो रहना चाहता है रह सकता है तो दोनों के दाखिल होने में फर्क देखिए ये वो जालिम थे और ये मुसलमान बादशाह जो अल्लाह अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलने वाला है तो ये जब हुआ बैतुलमक दोबारा मुसलमानों के हाथ में चला गया अब यूरोप के अंदर बिजली गिरी ये ना हो इसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था लेकिन आखिरकार हो गया और सलाहुद्दीन ने जिस अंदाज से चकमा दिया जिस अंदाज से ट्रैप किया अगर ऐसा ट्रैप नहीं किया जाता तो बैतुलश को फतह करना मुमकिन नहीं था तो अल्लाह के फजल से इन्होंने जो प्लान बनाया जो स्ट्रैटी बनाई उसे जब एग्जीक्यूट किया तो बड़ी आसानी से बैतुल बैतुलिस इनके हाथ में आ गया अब ये यूरोप के अंदर बिजली गिरी वहां के पूरे बादशाह मीटिंग करते हैं इंग्लैंड का बादशाह जर्मनी का बादशाह फ्रांस का बादशाह ये सब जमा होते हैं और साढ़े तीन लाख के लश्कर तैयार करते हैं और यूरोप के गलियों में बाबा जो भी पॉप्स थे वो तकरीर करते हुए घूमते हैं कहते हैं कि कोई ईसाई बच्चा रात में सोना उसके लिए हराम है कोई भी ईसाई अपने आप को ईसाई इसके बाद नहीं कह सकता कोई भी ईसाई ईसा की इबादत करने वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो दोबारा बैतुलमक जाए दोबारा बैतुलमक को मुसलमानों से छीने ऐसे जोशो अंग जो वलवलों से भरे तकरीरों को करते हुए ये बाबा घूमते हैं और पूरी आती है तो पहला कई इसके जो है कई बैचस ये बनाते हैं पहला बैच जो था वो दस हजार का भेजते हैं और दूसरी बैच जो थी वो साढ़े तीन लाख की भेजते हैं और बैचस तैयार है साढ़े लाख की तदाद नूरुद्दीन जंकी के पूरे स्टेट में नहीं है मुजाहिदीन तो दूर के बाद इनके पास पूरे स्टेट में इतने लोग नहीं है तो चूंटियों की तरह उमड़ कर आते हैं और पहला काफिला पहुंचता है वो बड़ी तेजी से आता है और बिल्कुल बैतुल बैतुलमक से दूर लगभग सौ डेढ़ सौ किलोमीटर दूर अक्का नाम एक इलाका है जहां का किला मजबूत था ईसाइयों के पास था लेकिन मुसलमानों ने इसे छीन लिया मुसलमानों की तरफ से एक छोटा सा गवर्नर जिसका नाम सैफुद्दीन था वो अक्का में बैठा हुआ था ये लोग बड़ी तेजी से आते हैं चूंकि समंदरी का इलाका था तो अक्का में हम हमला करके अक्का को पकड़ लेते हैं और खबर सलाहुद्दीन अन यूबी पहुंचती है कि इन्होंने अक्का को पकड़ लिया वो बहुत ही इल, अहम इलाका था तो सलाहुद्दीन ययूबी बैतुलमकद के कामों को निपटाते हैं और उसके बाद अपने साथ लश्कर लेके अब सीधे अक्का की तरफ चले आते हैं देखिए एक आदमी जो पच्चीस साल से लड़ रहा है लड़ लड़के जब ये जा रहे थे तो इनके काजियों ने कहा कि अहम पनाह हम लड़ लड़ के थक चुके हैं हम बीस साल से लड़ रहे हैं हम लड़ लड़के थक थक चुके हैं थोड़ी तो हमें मोहलत चाहिए सलाहुद्दीन कहते कह देंगे नहीं अगर ये फिर आ जाए तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा अब हमें इन्हें मौका नहीं देना है तो सीधे आते हैं अक्का के पास पहुंचते हैं और वहां पर पहले से ईसाई बैठे हैं अब फिर वहां पर लड़ाई चलती है अब लड़ाइयां शुरू होती हैं और ये लड़ाइयां तीस महीने तक चलती हैं कितने तीस महीने लगभग ढाई साल तीन साल तक लड़ाइयां चलती हैं और पूरा यूरोप उस अक्के को बैकअप कर रहा है आ रहे हैं बैचस के बाद बैचस बैचस के बाद बैचस ये भी लड़ रहे हैं वो भी लड़ रहे हैं तीस महीनों की लड़ाई उनमें से कई लोग शहीद हो गए मुसलमानों में से कई लोग शहीद हो गए मुसलमानों ने बाकायदा खिलाफत से लोग मंगाया बाकायदा दूसरे इलाकों से लोग 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 इनके भी लोग भी खत्म खत्म उनके भयानक लड़ाई हुई और सलाहुद्दीन लगभग महीने मुहासरा करने के बाद आखिरकार उन्होंने कहा कि हम फिलहाल के लिए ब्रेक लेते हैं फिर इसके पास आएंगे तो तीन तीस महीने की लड़ाई के बाद अक्का को थोड़ा ब्रेक देके ये अपने इलाके में वापस आते हैं एक जबरदस्त लड़ाई थी और अक्का में अगर मुसलमानों की तैदा छोटी थी लेकिन मुसलमान उसे फतह कर नहीं पाए उसकी वजह जैसे मैंने आपको बताया, से पूरी यूरोप उनकी मदद कर, मिल गए। तो कर नहीं पाए अब उसके बाद हुआ सलाहुद्दीन आए उन्होंने अपने इलाकों को दुरुस्त किया तो सलाहुद्दीन को खबर मिली कि नहीं ये अक्का में जो भी मिले थे लोग ये तो छोटी है अब साढ़े तीन लाख की तरफ अभी चंद महीनों में यहां पर आके उतरने वाली है तो सलाहदीन ने कहा कि भाई अभी थक चुके हैं अब साढ़े तीन लाख की तैदाद की मुकाबला कैसे करेंगे तो फिर जमा होते हैं मीटिंग करते हैं लोगों को जमा करते हैं तैयारी करते हैं जो भी उनसे मुमकिन था और अल्लाह के बारगाह में दुआ करते रहते हैं दुआ करते रहते हैं एक हफ्ते के बाद पैगाम पहुंचती है कि ये साढ़े तीन लाख की तदाद ये नॉर्थ में कहीं किसी जजीरे में फंस गए वहां पर तूफाने आई तो लश्कर तितर बितर हो गई अब इनमें से चंद लोग बचे हैं जो हजार की तदाद में आके उतरे हैं तो सलाहुद्दीन ने कहा कि अहमद लेकिन फिर एक हफ्ते के बाद खबर पहुंचती है कि नहीं फिर एक तीन लाख की तैदा यूरोप से निकल गई है उन्हें मालूम हो गया कि पूरी लश्कर खत्म हो गई तो उन्होंने फिर बैकअप भेजा है तो इस बार बैकअप को लेकर आ रहा है एक फर्द जिसका नाम रिचर्ड ये इंग्लिश था ब्रिटिश था ब्रिटिश ने इंग्लिश था तो ये अपने साथ लोगों को लेके आ रहा है ये जो रिचर्ड था ये भी सलाहुद्दीन अयूबी जैसा अकल रखने वाला दूर दराज सोचने वाला लोगों ने उसे बाकायदा उसे मजबूर किया कहा कि तेरी रियासत की हम हिफाजत करते हैं पॉप्स ने कहा कि तेरी जो बादशाहत है तेरा जो इलाका है हम इसकी हिफाजत करते हैं तू जा तुझे जाना जरूरी है तो ये अपने साथ हरमन और दूसरे लोगों को लेके बड़ी तेजी से तीन चार महीने में ये दोबारा आके अक्का पहुंचता है और अक्का से भीड़ लड़ाइयों का लंबा सिलसिला शुरू होता है अब ये जो लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ तो ये एक मरतबा ऐसे होता है कि ये पूरी की पूरी तेदाद बैतुल के सामने आके खड़ी हो जाती है अब सलाहुद्दीन मजबूर होते हैं कि वो अपने लोगों को लेकर किले में चले जाए और किला बंदी कर लें अब ये दरिया की तरह लश्कर आ गई है अब इसका मुकाबला कैसे करेंगे अब इतनी बड़ी तदाद आई सलाहुद्दीन अयुबी ऊपर चढ़ के जब देखे तो इन्हें एंड नजर नहीं आ रहा था लश्करें कहां खत्म होती हैं वो नजर नहीं आ रहा था अब ये लोग एक साथ हमला कर दें तो अल्लाह ही बचा सके। वैसा मामला नाजुक हो गया था तो जब नीचे उतरे तो कहा कि सिर्फ अल्लाह ही हमारा निगहबान है अल्लाह ही हमें बचा सकता है हमारी ताकतें हमारी साजिशें हमारे प्रोग्राम अब कुछ काम नहीं आने वाले लोगों जाओ अब अल्लाह की बारगाह में गिड़ ये खुद अपने खीमे में गए और बहुत देर तक नमाज पढ़ते रहे तहजुद की नमाज पढ़ी फजर की नमाज पढ़ी मीटिंग किया लोगों से बातचीत की लगभग दो तीन दिन तक इनका यही मशगला रहा इस पढ़ते रहे उठे बैठे लोगों से कहा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं अब चौथे दिन खबरें पहुंची कि ये जो लश्कर लेकर आए थे इसमें हमको मालूम है कि फ्रेंच लश्कर है इटालियन लश्कर है सब लश्कर है खैरुद्दीन बरबरोसा ने जो कहा था कि ये बड़ी तादाद में है लेकिन इनके दिल टूटे हुए हैं उस आयन मौके पर आपस में लड़ लेते हैं इनमें से बास लोग कहते हैं कि सलाहुद्दीन खामोश है इसलिए ये, ये तो चारों तरफ, तरफ हमला करते हैं हमें भगा भगा के मारते हैं तो इसलिए इनकी नजरें चारों तरफ थी बास लोगों ने कहा कि यह खामोश है ये अचानक टूट पड़ेगा है ना ये समंदर ये जो सैलाब आने की पहले की खामोशी है इसलिए इस खामोशी को देखकर आप जो है मत हमला हो जाएगा तो बाद लोगों ने कहा बाज लोग नहीं नहीं हमारी तो बड़ी तैदा है हम लड़ेंगे तो आपस में लड़ जाते हैं लोग कहते हैं हम वापस जाएंगे बाद में आएंगे लोग कहते हैं नहीं लड़ेंगे आपस में झगड़ लेते हैं एक आदमी अपने लोगों को लेकर चले जाता है और एक आदमी चले जाता है और सुबह खबर मिलती है कि ये पूरे बादशाह आपस में लड़ लिए इन लोगों ने रिवोक कर लिया है और उठ के देखते हैं तो पूरे लश्कर वापस जाती है कहते हैं अल्लाह ने बचा लिया और छह महीने के बाद फिर इसी तरीके से आ जाते हैं बतुलिस को कवर करने के लिए और फिर आपस में झड़ाई झड़ाई झगड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं फिर आते हैं आगे जाते हैं फिर आते हैं हमला करें या ना करें डर देखिए इतनी बड़ी लश्कर है और किला छोटा है मिलकर हमला करें पूरे बैतुल बैतुलमकदीस में तीन लाख लोग नहीं है इनके पास साढ़े तीन लाख की लश्कर है पूरे असलिया रखे हुए हैं पूरी तैयारी से आए हुए हैं एक झड़प लगाएंगे तो पूरी बस्ती इनके कब्जे में चली जाएगी लेकिन करीब आते हैं डर है कि कहीं हमला ना हो जाए अंदर से सलाहुद्दीन ऐबी ना निकल आए ये डर की वजह से जाते हैं आते हैं आते हैं जाते हैं एक घूमते रहे उसके बाद हुआ ये कि उन लोगों ने सलाहुद्दीन अयूबी को खत लिखा खत में कहा कि हम भी थक चुके हैं और तुम भी थक चुके हो हम भी जो है काफिलों पर काफिला बैचस पर बैचस हमारे यहाँ की कई औरतें बेवा हो चुकी हैं कई औरतों के बच्चे मर गए हैं हमारे इलाकों में बच्चों की कमी हो गई है इतना कुछ हो गया है बेहतर है कि हम ट्रीटी लिख लेते हैं तो सलाहुद्दीन नयूबी ने कहा अलहमदुल्ला इसी के हम इंतजार में थे कहा कि ट्रीटी क्या लिखे और ट्रीटी सलाहुद्दीन अभी ने कहा कि हम जो कहेंगे वही ट्रीटी में होगा हमारे टर्म्स डिक्टेट करेंगे तो सलाहुद्दीन ने क्या टर्म्स डिक्टेट किए वो भी सुना देता हूं आपको मैं उन्होंने कहा पहला कंडीशन ये कि मकदिस की तरफ नजर मत उठाइए ये हमारा है इसके तरफ आप करीबी नहीं आएंगे अलबत्ता आपके लोग जब चाहे आए हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे आपके पॉप्स आए आपके पादरी पादरियां पैस्टर्स आए जो भी आके इबादत करना चाहते हैं जहां कहीं भी जाना चाहते हैं क्योंकि ईसाइयों के लिए यही सब कुछ है याद रख लीजिए हमारे लिए ये थर्ड है फर्स्ट मक्का है तो सेकंड मदीना है तो थर्ड पोजीशन में आता है बैतुल बैतुलमकद मक्का में एक लाख सवाब मदीना में एक हजार तो बैतुलमकद में पांच सौ और बैतुलमकद हमारे लिए जाना वाजिब नहीं है मक्का मदीना हम जाते हैं लेकिन बैतुल बैतुलमकद मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है अब उन लोगों के लिए वही सब कुछ है और उन लोगों के पास आज भी वो सड़कों में उनके मार्किंग्स हैं कहते हैं कि यहाँ पर ईसा आलाम चलकर गए हैं यहाँ यहाँ ईसा आसलम चलते थे और बाज इलाके जहां पर ईसा आलम की पैदाइश है उनके जितने भी होली स्पॉट्स हैं वो पूरे के पूरे वही हैं उनके लिए वो बैतुलमकद सब कुछ है ये जो ग्रेट वॉल है और उसके बाद वहां पर जो जियोन माउंटेन्स हैं ये सब इनकी मुकदस जगहें है तो सलाहदीन ने कहा कि तुम लोग आओ तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे जब चाहे आओ कोई मसला नहीं तो ये पहला कंडीशन लेकिन ताकत हमारे पास होगी हम आपको परमिशन देंगे आप आएंगे और आप जाएंगे लेकिन चलाएंगे इस मुल्क को हम ये पहला कंडीशन नंबर दो कहा कि अस्कलान वो भी एक बहुत ही अहम इलाका है आज भी अस्कलान कहते हैं इसे जो बिल्कुल इसराइल के साउथ में पड़ता है ये कहा कि ये इलाका भी हमारे पास रहेगा अलबत्तरमलह व लु दो इलाके हैं जहां पर हमारा फिफ्टी परसेंट आपका फिफ्टी परसेंट होगा ठीक है और उसके बाद कहा कि ये त्री, ये ट्रीटी की वैल्यू तीन साल के लिए इसकी जो वैलिडिटी है ये तीन साल के लिए इस पर इतफाक होता है वो भी थक चुके थे रिचर्ड भी थक गया था जैसे ही ट्रीटी खत्म हुआ उसे खबरें मिली कि बॉब्स ने जो वादा किया था कि तेरी रियासत की हिफाजत करेंगे तेरा भाई उधर हमला कर चुका है तेरा भाई तेरी गद्दी छीना लिया है अब तो जाए तक पता नहीं तो रहेगा कि नहीं तो वहां से वो दौड़ लगाता है रिचर्ड और उसके साथ जो भी लोग आए सबको लेके भागता है और उसके बाद वो गया पता नहीं उसे क्या हो गया बाज लोगों ने कहा कि रास्ते में पागल हो गया था उसे वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाया कि वो तो सोच रहा था कि सब कुछ हो जाएगा इतनी बड़ी लश्कर इतनी बड़ी ताकत पूरा यूरोप ने यूरोप ने सब कुछ छन दिया था यूरोप को खाली करके आया था पूरा दौलत लेकर वो जो वापस गया तो इसे सदमा संभाल नहीं पाया बाज लोगों ने कहा कि समंदर में छलान लगा दिया था लोगों ने कहा कि जब मुल्क पहुंचा तो उसके भाई के हाथ में मुल्क फंस गया था तो उसके बाद ये कहीं गया किसी जो है चर्च में अपनी जिंदगी गुजार दी वहीं पर खत्म हो गया पागल की तरह ये हो गया था बड़ा नाम है रिचर्ड का बहुत सारी उसकी तफसी जब भी सलाहुद्दीन अपनी स्ट्रैटर्जी डालते ये बिल्कुल उसका तोड़ देता और सलाहुद्दीन सलाहुद्दीनयूबी का जो जानते हैं वो कैसे ट्रैप करते हैं जैसे ट्रैप करता है कहता है कि नहीं ये ट्रैप है ये सलाहुद्दीन सलाहुद्दीनयूबी हमें नहीं चलाएगा हम हमारे मर्जी से चलेंगे क्योंकि इससे पहले जो भी भाषा है सलाहुद्दीन अयुबी ने उन्हें चलाया सलाहुद्दीन ने उन्हें बिठाया सलाहुद्दीन अयुबी ने उन्हें बस्तियां दी उनसे बस्तियां छीनी यह साफ सलाहुद्दीन करता रहा यह रिचर्ड आने के बाद ये नहीं हो पाया तो सलाहुद्दीन अयूबी का एक टक्कर का आदमी था तो वापस गया तो वो पगला गया और ये ट्रीटी के बाद पूरों के अंदर हिम्मत आई और उसके बाद सलाहुद्दीन अयबी ने कहा कि जो भी लश्कर है जो भी लश्कर इधर बिधर हो गई ईसाइयों की वो लश्कर हमारे यहां रहे हम उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे वो जाना चाहे तो जाए रहना चाहे तो रहे तो लश्करों के साथ सिपाहियों के साथ बेहतरीन लेकिन सिपाहियों के साथ कतल के अलावा कोई दूसरी बातचीत नहीं है जनरल पब्लिक को माफ की जा सकती है लेकिन सिपाहियों को नहीं लेकिन साहुदीबी ने सिपाहियों को माफ किया और ये तीन साल की ट्रिटी थी और ये इतने थके हुए थे ईसाई ये भागे फिर कभी नहीं आए ये भागे ये फिर कभी नहीं आए कभी इन्होंने लश्कर नहीं लाया और तीन साल तो दूर की बात एक साल में ही ये पूरे इलाके बड़े आसानी से मुसलमानों के हाथ में रहे और मुसलमानों ने इन इलाकों को अपने पास रखा ये उस भागे ये कब भागे ये पांच सौ छियासी फाइव एटी सिक्स हिजरी में भागे थे उसके बाद कभी नहीं आए उसके बाद कभी नहीं आए उसके बाद आए तो कब आए जब ब्रिटिश ने फलस्तीन को अपने कब्जे में लिया वहां पर बुलफोर नामी एक ट्रीटी लिखी गई उसके बाद हाँ बाकायदा

झड़पें शुरू हो जाती हैं ये चाहे कैसे भी ये डूम बना ले है ना ऐसे डूम बनाते हैं कि कोई बम ना गिरे लेकिन इतने बम फेंकते हैं कि डूम थक जाता है सहा आयन डुम सौ बम फेंकते हैं तो पांच बम तो गिरते हैं इसराइल सिटी तलबी में पता नहीं कब क्या हो जाए वहां तो साइरेंस लगे हुए हैं अचानक बचते हैं तो पूरे गंटरघुंड भागते हैं आज भी यही मामला तो यहां पर कोई यूरोपियंस नहीं बच सकते आते हैं रोजाना आठ हजार की तैदाद और जाते दस हजार की तैदाद तो ये जो है इनकी बायदा सिटीजनशिप दी जाती है लेकिन कोई रुकता नहीं है ये सब जो है ये फलस्ती का इम्पैक्ट है इन लोगों पर ये फलस्तियों का इम्पैक्ट है कि इन्हें उधर सेटल होने नहीं देते तो बहरहाल ये इनकी तीसरी लड़ाई थी ये इस अंदाज से ट्रीटी होती है उसके बाद सलाहुद्दीन यूबी बड़े अमन अमान से वापस अपने इलाके जाते हैं और चंद दिनों के बाद ये बीमार पड़ते हैं इन एक किस्म का बुखार हो गया था पांच सौ पांच सौ नवासी फाइव हंड्रेड एंड एटी नाइन में इनकी वफात हो जाती है फाइव हंड्रेड एंड एटी में इनकी वफात हो जाती है और इनके औलाद उनमें से एक थे जिनका नाम अल अलमलिक आदिल उन, उन्होंने उनके हाथ में सल्तनत दी वो ठीक से सल्तनत करते रहे उसके बाद उनकी औलाद आई तो उनसे गलतियां हुई अल्लाह ने फिर इनसे सल्तनत छीन ली तो ये थी सलाहुद्दीन ऐबी की जिंदगी ये थे उनके अहम वाकयात ये थी उनकी लड़ाई हमने इस लड़ाई के दौरान उनकी स्ट्रैटजीज और जिस अंदाज से अल्लाह ने उन्हें मदद की पूरी तफसील हमने देखी इनकी जिंदगी से निचोड़ो जो हम निकालना चाहते हैं वो ये है कि आप अगर कोई मकसद को पाना चाहते हैं उसके लिए आप अपने तरफ से पूरी मेहनत करिए अल्लाह आपकी मदद करेगा टारगेट अचीव करना कोई इनसे सीखे एक टारगेट बना लिया उसे अचीव करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी पूरा जोर लगाया अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी तो आज हमारे मुसलमानों के पास यही चीज लैकिंग है कि हमारे पास टारगेट फिक्स नहीं है हम तो हवाओं के झोंकों में फैल रहे हैं गिर रहे हैं कोई समंदर है जिसमें हम बहते जा रहे हैं हमें चट्टान होना चाहिए जो समंदर के बहाव को कंट्रोल करे समंदर और दरिया के बहाव को वो कंट्रोल करे ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए सलाहुद्दीन सलाहद्दीन रहमतुल्लाह रम्ला की जिंदगी से हम यही सीखते हैं दूसरी चीज उनकी जिंदगी से जो हम सीखते हैं वो ये है कि किसी भी कौम को आपको उठा खड़ा करना है किसी भी कौम को जिंदा करना है तो उनके ईमान को दुरुस्त करना है ईमान की दुरुस्तगी से आदमी बनता है आदमी कुछ और नहीं वो अपने अकीदे का गुलाम होता है आदमी वो अपने अकीदे और अपने ईमान का गुलाम होता है जो चीज वो ईमान की तरफ सोचता है ईमान की तरह सोचता है वो उसका गुलाम होता है क्या आप नहीं देखते कि दुनिया में बड़े जहीन होशियार लोग कैसे कैसे साइंसदान हैं लेकिन वो आप देखते हैं कि एक बुद्ध के सामने सर झुकाते हैं वो देखते हैं आपके उनके छोटी छोटी चीजों में सुपरस्टिशियस हैं कि फुला रंग का कपड़ा पहने तो कामयाबी मिलेगी फुला रंग का नहीं कपड़ा पहनेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी है ना ये जो छोटी छोटी ये जो सुपरस्टिशियस में फंसे हुए बड़े बड़े कामयाब लोग हैं बड़े बड़े साइंसदान हैं वजह यह है कि इंसान अपने अकीदे का गुलाम होता है चाहे वो जितना भी तरक्की कर ले जो ईमान को वो मानता है वो उसका गुलाम होता है ईमान जैसे उसे कहता है वो काम करता है तो इंसान हकीकत में ईमान का गुलाम है अगर आपका ईमान दुरुस्त है आपका ईमान सही है अथेंटिक है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक है तो दुनिया में सबसे बड़ा पावर आपके हाथ में है आपका ईमान आपकी ताकत है सलाहुलद्दी ने जितनी भी लड़ाइयां जीती वो अपने ईमान के बलबोते पर ताकत के बलबोते पर नहीं अभी आपने देखा कि एक तरफ साठ हजार का लश्कर और एक तरफ बारह हजार का लश्कर लड़ाई आसानी से जीत लेते हैं और तीसरी बात यह है कि आप जितना अल्लाह से डरेंगे उतना इल्म हासिल करेंगे सलाहुद्दीन भी कोई ऐसे नहीं थे कि वो किसी जगह जाके बाकायदा उसने उन्होंने डिग्रियां की पीएचडी एच डी किया जंगजी स्ट्रेटर्जी में वो अल्लाह से डरते थे अल्लाह ने रास्ते बताए कोई भी काम आप जितना अल्लाह से डरते हैं उस एतबार से आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं आप अल्लाह से डरिए वो काम करने से पहले तक इख्तियार कीजिए देखिए कि हलाल है कि हराम है हलाल है तो उसे लेकर आगे बढ़िए अल्लाह से डरते हुए आगे बढ़िए आने वाली दुश्वारियां अल्लाह आपको सिखाएगा कि इन दुशवारियों से कैसे बाहर निकले आपके सामने रास्ते खुलते जाएंगे यही हम सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी से पढ़ते हैं ये चंद बातें थी जो मैं इनकी जिंदगी से निकाल कर आपके सामने रखना चाहता था और अल्लाह से दुआ करता हूँ हमने जो भी कहा जो भी सुना है इसके मुताबिक अमल करने के तोफी बख्शे सुबहदुल्लबी मौजू के मुतल कोई सवाल है तो कर सकते हैं इन नहीं जहां तक मैं देखा हूं उसके बाद वो बिल्कुल हिस्ट्री से गुम हो जाता है हो सकता है अपने भाइयों के उस तरफ कुछ किया हो लेकिन उसके बाद दोबारा उसकी जरूरत नहीं हुई कि मुसलमानों के पास आए ठीक है हम नहीं सवाल ये कर रहे हैं कि ये जो बैतुलमकद है मस्जिद अब जो यहूदियों के हाथ में पड़ के फंसा हुआ है ये लगभग सत्तर पचहत्तर साल से उनके हाथों में है क्या ये दोबारा मुसलमानों के हाथ में आएगा या सौ साल के पीरियड में दोबारा हमारे पास आएगा इसके कोई इम्काना हैं हदीसों से हमको मालूम होता है कि इलाके वापस मुसलमानों के पास आएंगे और मुसलमान यहाँ पर बाकायदा पूरी जीत के साथ दाखिल होंगे और ईसा सलाम आएंगे तो भी वही इलाके में आएंगे और उसके बाद महदी आएंगे तो भी उसी इलाके में होंगे कस्तूतनिया दोबारा फतेह होगा तो क़ियामत के करीब की निशानियों में जो अहा हमको बताती है उसे मालूम होता है कि इन इलाकों में दोबारा मुसलमानों का मुकम्मल तसल्लु मुकम्मल डोमिनेशन होगा लेकिन ये कब होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है ये किस वक्त होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है अल्लाह बेहतर जानता है अल्लाह जैसी उम्मीद करते हैं कि वापस आ जाए इन शह नहीं मस्जिद जो फिलहाल है वो आप देखेंगे तो ये एक एक बहुत बड़ी जगह है इसके अंदर लगभग 20 से ज़्यादा गेट्स हैं और इसमें से एक हिस्सा यहूदियों के पास है और खास तौर पर जो जो वेस्टर्न वॉल है उस तरफ यहूदियों का हिस्सा है और एक तरफ आर्मेनियन क्रिश्चियंस के हाथ में है और एक हिस्सा बाबुल रहमा बाबुल हुदा ऐसे बज दरवाज़े हैं ये मुसलमानों के पास हैं और एक हिस्सा ईसाइयों के पास है तो अभी भी ये लेकिन मुसलमानों के पास जो हिस्से हैं वो बिल्कुल कम हैं और मुसलमानों का कंट्रोल इस मस्जिद में नहीं है अचानक मिलिट्री लाते हैं मुसलमानों को कंट्रोल करते हैं क्योंकि मिलिट्री इनके पास है और ताकत इनके पास है तो ताकत के बलबोते पर मुसलमानों को रोकते रहते हैं और मुसलमानों की हालत इन्होंने इतनी खराब की हुई है कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं उनके पास उनकी तजारतें उनके हाथ में नहीं उनके बिज़नेस उनके हाथ में नहीं यहूदियों ने उनके इलाकों को पकड़ लिया है तो मुसलमानों को थोड़ी थोड़ी थोड़े थोड़े वो कमज़ोर कर चुके हैं तो ये फ़िलहाल ऐसे सेटअप है तो जो इलाका मुसलमानों के मातहत है वो वहाँ पर जोड़न अपनी मिलिट्री उतारता है जोड़ान अपनी पोलिस उतारता है तो ऐसे ये बाजी तफ़ा खतिन के अंदर है वह सुबह कर्शद